Hello everyone, I am Rajiv Chauhan and today I will be discussing one of the most important topic, बहुत ही important topic है जो कि आज हम discuss करने जा रहे हैं, oil economy, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कि oil जो है, हमारे यहाँ petrol हो या diesel हो, उसका price 100 से पार हो गया है। और ये भी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि भारत में जो ऑयल का प्राइस 100 से अधिक है, लेकिन हमारा जो फ्रेंड है पाकिस्तान, वहाँ पे ऑयल का प्राइस 56 रुपए 57 रुपए है। अफगानिस्तान में भी इसी 50s में ऑयल का प्राइस है। और जितने भी साउथ इंडियन कंट्री हैं, जितने भी साउथ एशियन कंट्री हैं, चाहे आपका श्रीलंका हो, चाहे आपका बांग्लादेश हो, कोई भी हो, सब में ऑयल का प्राइस भारत से कम है। कोई भी जगह में आप नहीं देखेंगे कि ऑयल का प्राइस 80 से ऊपर भी है। तो भाई, ऑयल का प्राइस भारत में ही क्यों इतना ज्यादा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बात है जो कि हमें समझना होगा। तो एक और अपनी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि जो ऑयल है उसका प्राइस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इंटरनेशनली डिटरमाइन होता है। उन्होंने एक बात ये कही है। और एक और मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है ऑयल का प्राइस बढ़ने से आम आदमी पे। जो अमीर लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, वो उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये कहा जा रहा है। और साथ ही में दिवाली के समय आपने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा कि दिवाली गिफ्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स का रेट कम कर दिया, ऑयल का प्राइस घट गया, ठीक है, भारत में, चाहे वो पेट्रोल हो और या डीजल हो। तो मतलब ये तो अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि भाई सही में सरकार कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है, या सही में इंटरनेशनल रेट पर डिटरमाइन होता है हमारा प्राइस। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको कि हम आज आपको समझाएंगे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ये वाला टॉपिक सिर्फ ना कि सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक भारत के नागरिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें समझना चाहिए कि होता क्या है। ये तो मैंने आपको एक पार्ट बताया। दूसरी पार्ट है, अगर ऑयल का इतिहास देखे आप, जब ऑयल का इतिहास देखे तो ऑयल का इतिहास बड़ा ब्लडी इतिहास रहा है, ठीक है। उसमें लाखों लोग, इस ऑयल पॉलिटिक्स के चक्कर में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग, बहुत सारा शासन था, बहुत सारा रूल था, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है। तो ये सब चीज जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है, ये कॉम्प्लेक्स है, मैंने पहले ही कहा था कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसको कि हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या एक्चुअली हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या उसे करना चाहिए, और ये जो ऑयल पॉलिटिक्स है ये शुरू कहां से हुआ है, इस चीज पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों को वंस एंड फॉर ऑल ऑयल का पॉलिटिक्स और ऑयल का इकोनॉमिक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे कि जो ऑयल है, ऑयल की डिस्कवरी हुई कब थी, क्योंकि ऑयल के डिस्कवरी के साथ ही दुनिया बदल गया, कंप्लीटली दुनिया चेंज हो गया। जिस दिन ऑयल की खोज हुई, जिस दिन ऑयल धरती के नीचे से निकाला गया, उस दिन दुनिया कंप्लीट चेंज हो गया। दुनिया क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, ये सब चीज हमें समझना जरूरी है। वन बाय वन हम लोग इस चीज को एनालाइज करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमने अपना पूरा डिस्कशन को सर्टेन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा क्लैरिटी मिले, अच्छे से आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर नंबर वन में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑयल की जो खोज है वो कहां पे हुई थी, कहां से हुई थी। तो एक चीज मैं बता देता हूं, धरती से के नीचे से ऑयल निकालना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोरेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी ऑयल मिलता था, जिसे हम लोग बोलते थे ऑयल स्प्रिंग। ऑयल खुद ही मतलब जमीन पे आ जाता था, इतने ज्यादा था ऑयल की धरती के अंदर की जमीन पे आ जाता था, तो बहुत लोग उसको भी यूज करते थे, ठीक है। लेकिन उसको मतलब
बहुत ज़्यादा नहीं होता था वो, और उसमें गंदगी बहुत रहती थी, इम्प्योरिटीज़ बहुत रहती थी, इसीलिए नया नया प्रोसेस डेवलप किया गया। ठीक है, और तो सबसे पहले जो ऑयल का जो एक्सप्लोरेशन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, वो यही जगह है। ये फोटो आप कभी भी देखेंगे तो ये फोटो आपको ऑलवेज दिखेगा। ठीक है, इसी जगह पे पेंसिल्वेनिया नाम का जगह में सबसे पहला टाइम ऑयल को निकाला गया था धरती के नीचे से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेंसिल्वेनिया एक्सप्लोरेशन। अब मैं एक बड़ा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, एक स्टोरी है कि ये ऑयल यहां पे जो पहली बार निकाला गया था तो किस पर्पस से निकाला गया था। ठीक है, तो पर्पस जो इसका बेसिक पर्पस जो था वो था लैंप ऑयल के लिए। पहले इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ तो था नहीं, तो हम लोग लैंप घर में जलाते थे, जो जो लैंप जलता था घर में उसके लिए ऑयल की आवश्यकता बहुत थी, बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गया था, लेकिन ऑयल सफिशियंट था नहीं। तो क्या इस एक्सप्लोरेशन से पहले हम घर में दिया नहीं जलाते थे, तो वो भी एक सवाल है। तो मेजरली जो हम लोग को उस टाइम में जो वेस्ट में पर्टिकुलरली अमेरिका में यूरोप में जो किया जाता था वो मछली एक होती है व्हेल मछली, जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, मतलब एक तरह से देखा जाए सबसे बड़ा प्राणी है, जानवर है वो। ठीक है, तो व्हेल को मारा जाता था और व्हेल से उसमें बहुत ऑयल होता था। ठीक है, उससे निकाला जाता था और उस ऑयल को हम घर में दीपक जलाने के लिए यूज करते थे, लेकिन वो उतना सफिशियंट नहीं होता था। व्हेल को मारना इतना छोटी बात नहीं है और करोड़ों पॉपुलेशन उस समय तक हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1859 में, ठीक है, 1859 में पेंसिल्वेनिया में ऑयल की खोज हुई। तो जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ये दो तस्वीर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये दो तस्वीर देख रहे हैं, यही दोनों मेन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने की ऑयल की खोज की थी पेंसिल्वेनिया में, धरती के नीचे से ऑयल निकाला था। इनका नाम है कर्नल डेरेक, ठीक है, कर्नल डेरेक नाम है इसका, पूरा नाम था इनका इडविन डेरेक। ओके, कर्नल डेरेक भी बोलते थे इसको या इडविन डेरेक बोलते थे। ये आदमी बहुत जुझारू किस्म के इंसान थे, तो इन्होंने बहुत टाइम कोशिश किया कि भाई हम ऑयल निकाले, लेकिन नहीं हो पा रहा था इनसे, और स्प्रिंग ऑयल में इतनी गंदगी थी कि उससे साफ करने में ही बहुत दिक्कत हो जाता था कि उसको कोई यूटिलिटी में लाया जाए। ठीक है, तो इन्होंने, इनको किसी ने बताया कि भाई पिट्सबर्ग में एक बिली स्मिथ करके आदमी है, उनको लोग प्यार से कहते थे अंकल बिली स्मिथ। तो अंकल बिली स्मिथ के पास वो गए, ठीक है, और उनसे बोला कि, और कहा कि ये एक ब्लैक स्मिथ थे, ठीक है, लोहार टाइप जो होते हैं लोग उस टाइप के थे, और बहुत ही उनको बड़ा मशीन का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था और इस तरह का काम के लिए बहुत प्रसिद्ध भी थे वो। तो अंकल बिली स्मिथ के पास कर्नल डेरेक गए और इनको बोला कि आप मेरे साथ काम कीजिए, मैं इस पे जितना पैसा हो सकता है वो लगाऊंगा, मुझे धरती के नीचे से ऑयल निकालना है, जिसको कि इनिशियल शुरुआती दौर में कहा जाता था रॉक ऑयल, जो कि रॉक से निकला हुआ ऑयल है, जो चट्टान से निकला हुआ ऑयल है उसे रॉक ऑयल कहते थे। ठीक है, तो बोला हमें रॉक ऑयल निकालना है बिली साहब, आप हमें थोड़ा हेल्प करो एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, तो बिली ने बोला जो ठीक है मुझे पैसे दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल चलूंगा आपके साथ। तो ये दोनों गए और छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, कहां पे, पेंसिल्वेनिया में, कहां पे खरीदा, पेंसिल्वेनिया में, और वहां पे उन्होंने क्या किया, ऑयल की खोज में ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे कि गांव में होता है जब हैंडपंप लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, धरती में ड्रिल करते हैं, लगातार अंदर बाहर करते करते ड्रिलिंग किया हो जाता है। ठीक है, और वहां से पानी निकलता है, उसी तरह से इन्होंने भी क्या किया, धरती में ड्रिल करना शुरू किया, धीरे धीरे कर रहे हैं, और बहुत दिन तक ये लोग करते रहे 1859 में, लेकिन ऑयल मिल ही नहीं रहा, 20 फीट 30 फीट 50 फीट ऑयल नहीं मिल रहा है। तो अब
एक दिन इन लोगों ने बोला कि शायद इस धरती में ऑयल है ही नहीं, इस तरह से निकाला ही नहीं जा सकता है ऑयल। तो फिर एक बोले कि एकदम मतलब, और जितने पैसे थे, लेबर वेबर चाहिए आपको, जितने पैसे थे वो पैसे भी खत्म हो गए। किनका? कर्नल डरेक का। कर्नल डरेक ने बिली को बोला, लेटर लिखा कि पैसे खत्म हो गए हैं, अब जो हम लोगों को ये एक्सप्लोरेशन रोक देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब वो कहा गया कि संडे के दिन तक हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे और मंडे से बंद कर देंगे हम एक्सप्लोरेशन को, हम लोग अंदर से निकालने वाला जो काम है, पंपिंग का जो काम है, उसको बंद कर देंगे। लेकिन वो दिन था 25 अगस्त, 25th अगस्त, ठीक है, 25 अगस्त का दिन था, डेट था, दिन था संडे, ठीक है। मंडे से ये लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, मंडे से ये लोग काम बंद करने वाले थे कि भाई हमको नहीं चाहिए, लेकिन संडे का दिन ही क्या हुआ कि उनको ऑयल मिल गया शाम के टाइम में। और ऑयल जो मिला, और पहले ऑयल जो मिला और जो ऑयल का जो धारा निकला, लोग कहते हैं कि वो ऊंचाई, बहुत ऊंचाई तक गया, 40 फीट तक गया, ठीक है। तो अंकल बिली स्मिथ के पास जो वर्कर थे आए, उन्होंने कहा पता नहीं कुछ तो निकला है, काला सा पदार्थ है, और 40 बहुत ऊंचा तक गया, 40 फीट तक गया। तो अंकल बिली स्मिथ आए और उसको स्मेल किया, बोला ये तो ऑयल है। ये वो दिन है जिस दिन कि ऑयल का खोज हुआ। किस ऑयल का? रॉक ऑयल का, जो कि आज के डेट में आप देखते हैं डीजल हो या पेट्रोल हो या फ्यूल ऑयल हो, कुछ भी हो, वो सब भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। आगे वो सब का खोज आज के दिन हुआ, जो डेट है 25th अगस्त, संडे का दिन, और 1859 में, ठीक है। अब ये तो हो गया, ऑयल मिल गया। देखो बोलते हैं ना, जो प्रयास करने वाला हारते नहीं है। मंडे को इनको बंद करना था, पैसे बचे ही नहीं थे एक भी रुपए, लेकिन संडे का शाम को इनको मिल गया ऑयल। अब जब ऑयल उस दिन मिल गया, उस दिन से याद रखिए दुनिया का इतिहास बोथ इकोनॉमिक्स के टर्म में और पॉलिटिक्स के टर्म में फॉरएवर चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। कैसे कैसे चेंज हुआ, इसका हम पूरा आपको इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां तक तो मिल गया, अच्छी बात है। इसके बाद सबको पता चल गया कि भाई ऑयल मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, तो ऑयल रस शुरू हो गया। ऑयल रस का मतलब क्या है? हर एक आदमी चाह रहा है कि हम वहां जाएं, ऑयल निकालें, जाएं ऑयल निकालें। तो जो पेंसिल्वेनिया में जो जमीन था उसका कीमत लाखों करोड़ों रुपए हो गया, ठीक है, $45 मिलियन के आसपास तक हो गया, मतलब 4.5 करोड़ एक एकड़ लैंड का कीमत वहां पे इतना ज्यादा हो गया था। अब हो गया तो गया, और सब लोग ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। अलग सा एकदम मार्केट में खबर फैल गया कि भाई इतना ज्यादा ऑयल मिल रहा है, सब लोग आ रहे हैं और ऑयल निकाल रहे हैं, छोटा जमीन खरीद ले रहे हैं, उसमें पंपिंग कर रहे हैं, उससे ऑयल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो उस जगह पे पैसे की, मतलब अब सोचो ऑयल का डिमांड तो बहुत ज्यादा था, तो पैसों की एक तरह से बारिश होनी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा पैसा लोगों ने कमाया। लेकिन जो एंटायर लैंड था, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पेंसिल्वेनिया का तस्वीर है 1880 के आसपास का, और वहां पे इतना गंदगी, इतना खराब सिचुएशन हो गया, और ऑयल तो जितना था सब निकाल लिया इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन स्थिति इतनी खराब हो गई कि बाद में वही लैंड, वही जमीन जो कि करोड़ों में बिक रहा था, वही जमीन अब खरीदने वाला मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऑयल तो रहा नहीं, गंदगी हर जगह रही। तो पूरा एरिया एक समय में डीपॉपुलेट हो गया था, वहां से लोग छोड़ छोड़ के भागने लगे दूर, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी बदबू, इतना बीमारी था कि जिसका कि आप चर्चा नहीं कर सकते। पूरा सिचुएशन जो था वो इनहॉस्पिटेबल सिचुएशन हो गया था। मैंने टाइटल भी दिया है द इनहॉस्पिटेबल पेंसिल्वेनिया, ठीक है। और वहां क्राइम ये सब बढ़ गया, छोटे छोटे ऑयल कंपनीज हो गए। उसी टाइम में एक नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं उनका भी स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को, जिनका नाम था रॉकफेलर, ठीक है,
जो रॉकफेलर हैं, ये दुनिया में बहुत पावरफुल फैमिली जो है उसमें से एक फैमिली है। एक जमाने में अमेरिका की सबसे पावरफुल फैमिली थी, ना कि अमेरिका की, एक तरह से कहो तो वर्ल्ड की, ठीक है, वर्ल्ड की एक सबसे पावरफुल फैमिली। आज के डेट में भी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल फैमिली में से एक फैमिली कौन है? वो है रॉकफेलर। तो रॉकफेलर के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, क्योंकि उनसे भी जुड़ा हुआ है ऑयल का प्रोडक्शन, ऑयल का पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक तो हमने समझ लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रॉकफेलर के बारे में जानते हैं क्या था। ऑलराइट, तो जो रॉकफेलर है उनका मतलब एक तरह से हिस्ट्री देखेंगे तो यहां से शुरू होता है। इनका नाम था विलियम एवरी रॉकफेलर। ये जो तस्वीर है ये विलियम एवरी रॉकफेलर का तस्वीर है। ठीक है, ये जो थे बहुत ही घटिया किस्म के इंसान, जिसको कह सकते हो आप, ठीक है, वो बहुत ही घटिया किस्म के इंसान थे। वो एक हाई क्लास कॉनमैन थे, जो दूसरे को गलत तरीके से डिसीव करके पैसा कमाने में बिलीव करते थे। इन्होंने इनफैक्ट दो दो शादियां भी की थी। इनफैक्ट इन पे चार्जेज लगाया जाता है रेप का भी। ठीक है, तो ये जो थे ये मतलब ग्रैंड मास्टर थे, और इनका जो बेटा है जिन्होंने कि पूरा एम्पायर खड़ा किया, उनका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, इनको तो एक दूसरा नाम से भी कहा जाता था, इनको कहा जाता था, एक और नाम था उनका डेविल बिल। ठीक है, डेविल बिल भी इसको बहुत टाइम, आप डेविल बिल अगर नेट पे सर्च करेंगे तो एवरी रॉकफेलर का नाम आता है, उस नाम से भी प्रसिद्ध थे। इनका बहुत सारा नाम भी था, लिविंग स्टोन भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है। तो ये कॉनमैन थे, झूठ वूट बोल के इधर उधर करते थे। लेकिन एक चीज यहां समझने वाली बात है, लेकिन वो एक चीज जरूर कहता था, ये बंदा कहता था कि मैं अपने बेटे को हर समय डिसीव करता हूं। क्यों भाई, बेटा को तो सही चीज सिखाना चाहिए, डिसीव क्यों कर रहे हो? तो बोलता था मैं डिसीव इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वो हर तरह का डिसेप्शन समझ जाए और दुनिया को सही तरीके से समझ जाए, ताकि मोर एंड मोर इंटेलिजेंट हो पाए, वो ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक वो इंटेलिजेंट हो पाए। इसीलिए उसको मैं डिसीव करता रहता हूं ताकि मेरा डिसेप्शन को पकड़ ले। तो इन्हीं का जो डेविल बिल है, इन्हीं का बेटा ये है, ठीक है, जिनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, और इन्होंने ही पूरा साम्राज्य बनाया है, इन्होंने ही पूरा साम्राज्य बनाया। किस चीज का? ऑयल के दुनिया का। अब ये मैं बता दूं, मैंने कहा जो पेंसिल्वेनिया में कैसा सिचुएशन था, इनहॉस्पिटेबल सिचुएशन था, क्राइम बहुत था, मतलब बहुत ही अनऑर्गेनाइज टाइप था। इस बंदे ने, जॉन डी रॉकफेलर ने उसको कंसोलिडेट किया, उस सबको उन्होंने एक साथ जोड़ा और एक ऑयल कंपनी का नाम स्टार्ट, ऑयल कंपनी स्टार्ट किया, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। क्या नाम था? स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। अब ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी था, और ये भी मैं आपको बता दूं, दुनिया का पहला, कहा जाता है दुनिया का पहला जो बिलियनर हुआ है वो रॉकफेलर हुआ है, जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, यही वो व्यक्ति है जो दुनिया का पहला बिलियनर हुआ, सबसे अमीर आदमी था उस जमाने में, सबसे पावरफुल आदमी में से एक व्यक्ति था। लेकिन इन्होंने जितनी भी गलत काम हो सकती है बिजनेस में, जो भी झूठ बोल सकते हो, डिसीव कर सकते हो, डिसेप्शन कर सकते हो, वो सब काम किया, साम दाम दन जो भी कर सकते हैं सब किया गया, और उसके बाद बनाया गया, इसने बनाया एक बहुत बड़ा एम्पायर, एम्पायर जो कि गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर देता था। और एक बार नहीं, इन्होंने सैकड़ों बार गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया है पॉलिसी डिसीजन में। ठीक है, और इनका फैमिली क्या बन गया? दुनिया का सबसे पावरफुल फैमिली में से एक। अगर अभी के टाइम में भी कहा जाए कि दुनिया का 10 सबसे पावरफुल फैमिली कौन है, उसमें एक फैमिली का नाम आएगा, वो फैमिली का नाम है रॉकफेलर। ठीक है, और इन्होंने पैसे तो बहुत कमाया, लेकिन दुनिया कैसा बनाया? लिखा हुआ है वर्ल्ड क्रिएटेड ऑन डिसीट, डिसेप्शन एंड फ्रॉड। ठीक है,
डिसीट डिसेप्शन और फ्रॉड पे इन्होंने एक दुनिया का निर्माण किया और ऑयल को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा, कहां पे? अमेरिका में। ठीक है, तो अब इनके बाद इनका बेटा आया। ठीक है, ये इनको बोलते हैं, इनका नाम है जॉन रॉकेफेलर जूनियर। ठीक है, जॉन रॉकेफेलर जूनियर इनको कहा जाता है। अब जब इनके पास अरबों खरबों रुपए हो गए, बहुत पैसे हो गए, तब इन्होंने सोचा कि भैया हमको लोग जब देखते हैं ना तो सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं, हम लोग को लोग देखते हैं तो लगता है कि चोर का फैमिली है, इस नजर से देखते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि बोला कि नहीं, रेपुटेशन कमाना पड़ेगा, पैसे तो कमा लिए अब, लेकिन रेपुटेशन कमाना पड़ेगा। और वो रेपुटेशन, सम्मान, रेस्पेक्ट कहां से आए, वो चीज था। तो इन्होंने क्या किया, फिलेंथ्रोपी स्टार्ट किया। ओके, इन्होंने क्या किया, फिलेंथ्रोपी स्टार्ट किया। फिलेंथ्रोपी मतलब चैरिटी करना। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारा और फिलेंथ्रोपी किया। आप जो यूनाइटेड स्टेट्स में और न्यूयॉर्क में जो देखते होंगे बिल्डिंग, यूएन का बिल्डिंग, यूएनओ का बिल्डिंग, यूएनओ का, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है, उसका जमीन और वो बिल्डिंग इस बंदे ने ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद दुनिया को दिया है। ये प्रॉपर्टी इनका है, चैरिटी में दिया गया है। आप अगर पढ़ने जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आईवी लीग और कहीं पे इस तरह से, तो वहां पे स्कॉलरशिप चलता है, रॉकेफेलर स्कॉलरशिप। दुनिया के जो सबसे क्रीम स्टूडेंट होते हैं, बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है 100% मुफ्त। ठीक है, तो ये सब काम करना इन्होंने शुरू किया ताकि इनका रेपुटेशन बन सके। लेकिन ये जो ऑयल का बिजनेस था और जो आगे पीछे वाला काम करते थे, ये काम करता रहा ये लोग, और अभी भी सबसे पावरफुल है। और ये भी कहा जाता है जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक या इस तरह का चीज जो डेवलप हुआ है, उनमें इस फैमिली का बहुत ज्यादा शेयर्स है, बहुत ज्यादा उसमें भी इनका कंट्रोल है। इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी को एक तरह से इन लोग कमांड करते हैं, आज के डेट में भी इतना पावरफुल हैं ये लोग। ठीक है, तो ये कहानी है रॉकेफेलर का कहानी। मैंने क्यों सुनाया इस कहानी को, क्योंकि आप ये समझ पाए कि जो ऑयल जो था उसका जो पॉलिटिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप समझ पाए एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से। वो फैमिली जिसने कि जो जितनी भी गंदगी थी, जितना भी डिसऑर्गेनाइजेशन था, उसको क्या किया, कंसोलिडेट किया। तो आज के डेट में जब रॉकेफेलर को देखते हैं हम, तो ये नहीं देखते हैं कि ऑयल का वो उन्होंने एम्पायर क्रिएट किया, इस तरह से देखते हैं कि हां, एक सबसे पावरफुल फैमिली है जो कि फिलेंथ्रोपिक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि जो अपना जो मॉडर्न डे बना, जो आज का दुनिया देख रहे हैं, जो आज आप जिस तरह से दिख रहा है आपको, वो एक तरह से कहा जाए तो ऑयल का डिस्कवरी के साथ साथ ये दुनिया बना। जिस दिन बिली स्मिथ ने ऑयल को ढूंढा, वहां पे डेरेक और बिली स्मिथ ने ऑयल को पेंसिल्वेनिया में ढूंढा, उसी दिन दुनिया चेंज हो गया, सदा सदा के लिए चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, वो भी चीज हम कहानी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं कि ये जो मॉडर्न दुनिया है, ये आज का जो युग है, आज का जो समय है, ये बना कैसे। ठीक है, जो पॉलिटिक्स है, मैंने कहा लाखों लोग मारे गए, जब लाखों लोग मारे गए और बहुत सारा सरकार गिर गया, तो कैसे गिरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसका कहानी भी समझना है, तब आपको समझ में आएगा कि ऑयल पॉलिटिक्स है क्या और ऑयल का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। इसीलिए इतना हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग सीधा गवर्नमेंट में चले जाते। ठीक है, चलिए देखिए, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, कहां पे स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, थोड़ा ये जान लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक प्रोडक्शन मेथड में चेंज आया। पहले हर चीज काम हम करते थे किससे, मैनुअली काम करते थे, ठीक है, हाथों से काम करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो हमने मशीन का आविष्कार किया, मशीन से काम करने लगे। तो मशीन से अगर काम करोगे तो
आप बहुत जल्दी काम कर लोगे। अगर मशीन मान के चलिए कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ह्यूमन का जो स्पीड है उससे बहुत ज्यादा 100 गुना 200 गुना स्पीड से वो बनाती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया जहां की फैक्ट्री सिस्टम आ गया, जहां की मशीन वर्क करता था, मशीन और आदमी मिलकर काम करता था, ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो। इंडस्ट्री तो था ही, इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था। तो उस जमाने में अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या यूज होता था, कोल का यूज होता था। जो कोल था, हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कोल से रन किए जाते हैं, तो कोल का उपयोग किया जाता था। आपने मूवी में भी देखा होगा पुराने जमाने का, तो आप देखे होंगे ट्रेन भी जो चलता था वो कोल से चलता था। एक आदमी रहता था जो कि कोल उठाता था और उसमें डालता था, जो कि स्टीम प्रोड्यूस करता था और जो ट्रेन आगे मूव करती थी, कोल से ही चलता था। बाद में क्या हो गया, डीजल से चलने लगा। अभी भी बहुत सारी ट्रेन डीजल से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बहुत सारी चल रही है, ठीक है। तो जो उस टाइम का जमाना था कोल का जमाना था, लेकिन जब ऑयल का डिस्कवरी हो गया तो ऑयल का डिस्कवरी के साथ साथ बहुत सारा चीज चेंज हो गया। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सबसे पहले जो एरा था वो क्या था, कोल का एरा था। उसके बाद ऑयल स्प्रिंग्स आया कि थोड़ा बहुत ऑयल मिलता था कहीं ना कहीं, लेकिन उस ऑयल में इतनी प्रॉब्लम होती थी, इतनी गंदगी रहती थी कि उसको साफ करना बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था। तो फिर क्या हुआ, बाद में रॉक ऑयल डिस्कवर हुआ। किसने, बिल, ये कहां पे, पेंसिल्वेनिया में डिस्कवर हुआ था। यहां तक आपको हमने बताया था। तो ये जो डिस्कवरी हुई जिस दिन हुआ, याद रखिए उसी दिन से कि कंप्लीट आज जो मॉडर्न डे चल रहा है, किस चीज में, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन पे चल रहा है। तो कंप्लीट एक नया सेगमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री डेवलप हो गया। अब लोगों ने ऑयल को छोड़ के लोगों ने कोल को छोड़ के ऑयल पे फोकस करना शुरू किया। क्यों, कोल को लेके जाना बड़ा डिफिकल्ट है, पहले तो निकालो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो फिर भेजो, बड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। दूसरा चीज, ऑयल का एक कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, मतलब जो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, उस चीज पे कॉमन मैन टर्म्स में बोल रहा हूं, ठीक है, वो कोल से बहुत ज्यादा अधिक है। किसका, रॉक का, रॉक ऑयल का, जो क्रूड ऑयल जिसको हम लोग बोलते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी बोल लो, ओके, उसका बहुत अधिक है। तो रॉक ऑयल से क्या उन लोगों ने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन इजी, कैलोरीफिक वैल्यू है, सब चीज बढ़िया है, तो हम इसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे, कोई भी आदमी इसको चूज करेगा। और पता भी है जमीन के नीचे है, अब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैरल नीचे है, निकालेंगे और यूज करेंगे, यही कहानी स्टार्ट हो गया। तो पूरा दुनिया जो मॉडर्न डे आज के दिन आप देख रहे हैं वो ऑयल पे बना हुआ साम्राज्य है, ऑयल पे बना हुआ आपका इकोनॉमी है, ठीक है। अब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ते हैं, कैसे कैसे किस टाइम में क्या क्या हुआ, ऑयल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ऑयल पॉलिटिक्स जानते हैं। तो 1918 में कि एक डिस्टिलेशन प्रोसेस, जो ऑयल धरती से भी निकाल रहे, क्रूड ऑयल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं आप, उसको क्या करना पड़ता है, बहुत हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद कहीं किरोसिन निकल जाता है, कहीं पे लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल जाता है, कहीं पे एलपीजी गैस निकल जाता है, इस तरह से होता है। तो एक नया प्रोसेस क्या स्टार्ट हो गया, 1918 में इन्वेंट किया गया साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, और वो क्या बन गया, आपका बेडरॉक बन गया, बेडरॉक बन गया किस चीज का, फ्यूचर के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कि World War I आ गया, विश्व युद्ध पहला। तो आप ये तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे कि जब वॉर होता है तो बहुत ज्यादा कंजम्पशन बढ़ जाता है इन सब तरह का चीजों का, कि ऑयल में वॉर होगा तो गाड़ियां चलेंगी, टैंक चलेगी, बहुत सारा शिप चलेगा, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो अब उसके लिए ईंधन कहां से आएगा, ईंधन कहां से आएगा, वही क्रूड ऑयल से आएगा। तो अब जब 1914 के आसपास जब वॉर्स ये हुई, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा डिमांड किस चीज का बढ़ गया, ऑयल का, ऑयल डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया, ठीक है, ऑयल का डिमांड बढ़ गया बहुत। अब ऑयल का डिमांड तो बढ़ गया,
लेकिन युद्ध भी लड़ रहे हैं, तो जो भी था चलो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सोचा गया कि भाई जो अमेरिका में ऑयल मिल रहा है, या उस टाइम में कुछ पार्ट रशिया में मिलना शुरू हो गया, यूरोप में मिलना थोड़ा बहुत शुरू हो गया, ठीक है, क्या इस तरह का और जगह भी तो होगा, ऑयल को तो खोजना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया, ऑयल एक्सप्लोरेशन सब कंट्री ने स्टार्ट किया। तो 1920 में पता चला कि वेनेजुएला में बहुत ज्यादा रिजर्व है। वेनेजुएला कहां का कंट्री है, ये आपको साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। तो वहां पे 1920s में ऑयल का रिजर्व मिला, ह्यूज ह्यूज रिजर्व। आज के डेट में भी सबसे ज्यादा रिजर्व किसी के पास है ऑयल का, तो वो आपका वेनेजुएला ही है, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में आ गया। मिडिल ईस्ट किसको हम लोग बोलते हैं, जहां पे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्री जो है जहां पे है वहां पे आपको मिला। ऑयल तो डिस्कवरी हो गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में बहुत रिक्वायरमेंट बढ़ गई, और वर्ल्ड ऑयल की रिक्वायरमेंट और बढ़ती ही रहेगी। तो लोगों ने पूरी ताकत लगा के एक्सप्लोरेशन शुरू किया, और एक्सप्लोरेशन में क्या पाया, ये सब पाया। मिडिल ईस्ट मिल गया। फिर वर्ल्ड वॉर टू कुछ दिन बाद स्टार्ट हो गया। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो गया, तब क्या हुआ कि एक तरफ जर्मनी थे, था जापान, था इटली, था दूसरी तरफ ब्रिटिश, था फ्रांस, था अमेरिका, था। तो लड़ाई हुआ। अब फिर लड़ाई हुआ तो आप फिर समझ सकते हैं कि यहां पे ऑयल का डिमांड क्या होगा, बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्ल्ड वॉर टू तो सबसे भयंकर युद्ध था, तो डिमांड और भयंकर हो गया, और ज्यादा हो गया। तो डिमांड और वर्ल्ड वॉर टू में और बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो बढ़ गया तो नया नया फिर से इन लोगों ने सोचा कि और एक्सप्लोरेशन करो, धरती के नीचे ही मिल रहा है। तो सब देशों ने सब शुरू किया, भाई कहां पे है, कहां पे है, ठीक है। तो किसी देश में कम था, किसी देश में अधिक था, लेकिन था जरूर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ। अब जीत कौन गया, अमेरिका जीत गया। वर्ल्ड वॉर टू कौन जीत गया, अमेरिका। एलाइज जो भी थे, ब्रिटिश, फ्रांस, ये लोग जो एक यूनिट थे, वो जीत गए वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और जर्मनी, इटली, और जापान जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में हार गया, ठीक। चलो, अब जो जीता, कौन जीता, अमेरिका। अमेरिका के पास एटम बम भी था, दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री उस टाइम में अमेरिका हो गया। उससे पहले कौन हुआ करता था, ब्रिटिश हुआ करता था। ब्रिटिश का ब्रिटिश कमजोर हो गया, और अमेरिका और भी पावरफुल हो गया। तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद डिमांड तो बढ़ी गया, और ये अमेरिका बहुत अच्छे से समझता था, बहुत अच्छे समझता था कि अगर मेरा ऑयल पे कंट्रोल रहेगा तो हम अपना इकोनॉमी को बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं। ऑयल पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारा इकोनॉमी सकम कर जाएगा, और हम ग्लोबल सुपर पावर बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। तो ऑयल एक मेजर चीज था, मेजर कमोडिटी था, जो कि दुनिया को सेप करने वाला था वर्ल्ड वॉर टू के बाद। और जो वर्ल्ड का, अगर आप चाहते हो कि लीडर बने रहो, मौजूद आप लीडर बने रहो एकदम कॉन्टिन्यूटी, परपिचुइटी में, तब आपको क्या होना पड़ेगा, उस तरह का कमोडिटी पे आपका हाथ ऑलवेज होना चाहिए, एक्सेस आपको ऑलवेज होना चाहिए, जो कमोडिटी की आपको बहुत ताकतवर बना सकती है। और वो कमोडिटी कोई और चीज नहीं था, ऑयल, 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 ठीक है। और उस टाइम तक पता चल गया था कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ऑयल है। मिडिल ईस्ट में क्या है, सबसे अधिक ऑयल कहां पे है, उस टाइम का जो नॉलेज था वो था मिडिल ईस्ट में। तो क्या किया, अलायंस बनाया, ठीक है, किसमें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में, इनके बीच में, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, सऊदी अरेबिया में और यूएसए में एक अग्रीमेंट साइन हुआ। अग्रीमेंट क्या साइन हुआ, उस टाइम का सबसे अमीर ताकतवर कंट्री कौन था, वो यूएसए था, क्योंकि उसके पास एटम बम था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू जीता था। और तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को कहा कि भाई देखो, तुमको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा,
तुम्हारे पास ताकत नहीं है कि तुम अपने आप को सिक्योर कर सको। कल के डेट में अगर तुमको यूएसएसआर जो है, वन मोमेंट, तो उस टाइम में जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री थी वो थी यूएस, और उस समय सिक्योरिटी सबको चाहिए था। तो यूएस ने कहा कि भाई सऊदी अरेबिया तुम हमारे साथ, तुमको मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बगल में ही यूएसएसआर है, हो सकता है तुम पे अटैक करके तुमको कब्जा कर ले, और ये रियल पॉसिबिलिटी था, कुछ भी हो सकता है। तो सऊदी ने बोला जो सही कर, ये सिक्योरिटी तो मुझे चाहिए। तो सऊदी ने उससे साइन कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है। अमेरिका ने कहा कि मुझे ऑयल का ओपन एक्सेस चाहिए तुमसे। क्या चाहिए? ऑयल का ओपन एक्सेस। और सऊदी को इन रिटर्न क्या हुआ? उन्होंने बोला सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, दुनिया में कोई भी तुम पे अगर आक्रमण किया तो हम जो हैं अमेरिकन वो आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे, आपका रक्षण करेंगे, आपको कुछ होने नहीं देंगे। उस टाइम में सऊदी अरेबिया उतना पावरफुल भी नहीं था, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं था, ऑयल था उनके पास लेकिन बहुत अमीर नहीं थे। तो उन्होंने बोला बढ़िया डील है भाई, ले लेते हैं। तो इन्होंने डील ले लिया, ठीक है। तो अब इनका डील हो गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन अब ये 1945 में, याद रखिए 1945 में ये डील हुआ सऊदी और यूएस के बीच में, ठीक है। लेकिन उसी टाइम में वहां पे वेव ऑफ नेशनलिज्म आ गया। वेव ऑफ नेशनलिज्म का मतलब कि आपको जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री थे, वापस अगर हम चलते हैं इस पीछे, तो आप मिडिल ईस्ट में कंट्री देखो, ये सब मिडिल ईस्ट का कंट्री है। जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, इधर ईरान है, यहां पे बहरीन है, कतर है, कुवैत है, ठीक है, यमन है, ये सब जो मिडिल ईस्ट का कंट्री में आता है, ठीक है। अब इस एरिया, कंप्लीट एरिया में क्या स्टार्ट हो गया? नेशनलिज्म का फीलिंग। और जब नेशनलिज्म का फीलिंग कहीं पे स्टार्ट होता है तो वहां पे आपको जो मतलब है कि विदेशी के अगेंस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो दो जगह पर्टिकुलरली देखा गया जहां पे कि नेशनलिज्म का वेव बहुत ताकतवर था, वो एक सऊदी अरेबिया था, दूसरा क्या था? ईरान था, ठीक है। अब अमेरिकन जो थे वो डर गए, बोले अगर नेशनलिज्म का वेव बहुत ज्यादा हो गया और ऐसी कोई सरकार आ गई वहां पे जो सरकार की हमको फेवर ना करे, तो फिर तो ऑयल तो रुक जाएगा वहां से आना, और अगर ऑयल रुक गया वहां से आना तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। वो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो दिक्कत में आ जाएगा, और हमारा जो इंटरेस्ट है वो सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि निगोशिएशन स्टार्ट किया, ठीक है। निगोशिएशन स्टार्ट किया, मेनली दो ही कंट्री था, मैंने कहा था, एक तुम्हारा सऊदी अरेबिया जहां पे ज्यादा देखा, और ये ईरान, यहां पे बहुत ज्यादा ऑयल था, बहुत ज्यादा, ठीक है, ईरान और सऊदी अरेबिया। तो जितना भी
अमेरिका था या फिर ब्रिटिश था, फ्रांस था, ये लोग सोचा कि भाई कुछ तो करना होगा, क्या करें भाई। तो निगोशिएशन इन्होंने स्टार्ट किया सऊदी अरेबिया से पहले। तो सऊदी अरेबिया का निगोशिएशन सक्सेसफुल रहा, तो सऊदी अरेबिया ने डिक्लेयर किया कि भाई मेरे को 50% रॉयल्टी, 50% रॉयल्टी मुझे चाहिए। किसको चाहिए? सऊदी अरेबिया को 50% रॉयल्टी। दूसरा आया ईरान, ठीक है। ईरान जो है आपका, वो वहां पे निगोशिएशन स्टार्ट किए, लेकिन निगोशिएशन फेल हो गया, ठीक है, निगोशिएशन फेल हो गया। तो निगोशिएशन फेल हो गया, उन्होंने माना ही नहीं बात जो वेस्टर्न पावर थे, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, इन लोगों का। तो अमेरिका और इंग्लैंड ने मिलके सोचा कि यहां पे जो शासक हैं, ठीक है, यहां पे उस समय थे शाह, शाह का रूल, ठीक है, उनको हम लोग हटा देते हैं, कूप कर देते हैं, वहां पे तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है। और ये सब करवाने में वो वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, ये लोग बहुत नंबर वन कंट्री थे, ठीक है। इन्होंने वो प्लानिंग किया कि यहां पे तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक, तख्ता पलट कर देते हैं। तो ईरान जो है आपको वो डर गया थोड़ा, मतलब जो शाह था, बोला भाई तख्ता पलट, कौन शासन छोड़ना चाहता है, ठीक है। तो इंटरनली उन्होंने क्या किया, एग्री कर लिया, इंटरनली, डायरेक्ट नहीं एग्री किया, डायरेक्ट एग्री करता तो पीपल नाराज हो जाते, इंटरनली एग्री किया, ठीक है, कि भाई तुम लोग एक्सप्लोरेशन करो, मेरा रिजीम को मत हटाओ, क्योंकि उस टाइम का सबसे पावरफुल कंट्री अगर वो लोग था तो कुछ भी कर सकता था। 1948 का कहानी है ये, 1948, ठीक है। तो ईरान ने कहा कि भाई ठीक है, हमको रहने दो, तुम लोग कुछ इधर उधर मत करो। डर भी लगता है ना कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री, ठीक है, एटम बम उनके पास है, ब्रिटिश उस टाइम का सबसे खतरनाक प्लेयर में से एक था, वर्ल्ड वॉर जीते हुए अभी हैं तुरंत। तो इन्होंने बोला कि भाई उतना ज्यादा करने से अच्छा हम पे अटैक कर दे, कूक कर दे, क्या कर दे पता नहीं, उससे अच्छा बोला कि तू ठीक है, तुम एक्सप्लोरेशन करते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, रॉयल्टी तुम हमको दो, ठीक है, क्योंकि नागरिक को भी दिखाना है, पीपल को भी दिखाना है कि नहीं भाई हम तुम्हारे अगेंस्ट नहीं गए। तो शाह रिजिम को उन्होंने रहने दिया और एक्सप्लोरेशन करते रहे, निकालते रहे ऑयल। अब देखिए ऑयल यहां से मिल रहा है, कहां जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, आपको अमेरिका जा रहा है, उनका इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ताकतवर होता जा रहा है, ठीक है। तब लेकिन इन्होंने ही, ये जो कुछ जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री थे जो मोस्टली एक्सपोर्ट करते थे ऑयल, उन्होंने सोचा कि दुनिया को हम चला रहे हैं और हम ही को ज्यादा फायदा नहीं है। तो उन्होंने नोटिस ये किया कि भाई हम लोग के बीच में ही कॉपरेशन नहीं है, हम लोगों के बीच में ही जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ऑयल था, यहां पे जो वेस्टर्न कंट्री हैं, हम लोगों को जब आते हैं वो प्रेशर में डाल देते हैं और उसके बाद खुद ऑयल लेके जाते हैं, हम लोगों को तो स्पेशल बेनिफिट नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ओपेक, ओपेक बना दिया उन्होंने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है, ओपेक। कब बना था, 1960 में, कहां पे बना था, बगदाद में बना था, ठीक है, बगदाद आपका कहां पे है, बगदाद इज कैपिटल ऑफ इराक, इराक का कैपिटल बगदाद है, जहां पे 1960 में बना। टोटल कितने कंट्रीज, जब बना फॉर्मेशन हुआ तो टोटल कितने कंट्री थे, पांच ही कंट्री था, ठीक है, पांच लोग मिलके आ गए, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, क्या नाम था उसका, ओपेक। और ओपेक उस समय से एक कार्टल बन गया, उनका मोनोपोली हो गया प्राइस पे, वो जब चाहते हैं दुनिया में प्राइस ऊपर कर देते हैं, जब चाहते हैं दुनिया में प्राइस नीचे कर देते हैं, क्योंकि वही लोग जो हैं ऑयल, मैक्सिमम ऑयल वही है और वही एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑयल को बेच बेच के सऊदी अरेबिया इतना बड़ा ताकतवर बना, यूएई देखो, दुबई, इतना सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, दुबई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं अमीर लोग, ठीक है,
वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, तो वो कैसे इतना बना? रेगिस्तान है, कुछ है नहीं वहां पे, फिर भी ऑयल को बेच के तो एक कार्टल बना लिया। और आज के टाइम में देखेंगे तो टोटल 13 कंट्री है जो ओपेक का मेंबर है। कौन कौन है भाई? ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुला, इक्वाडोर, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला। इतने लोग आज के डेट में 13 टोटल मेंबर है किसका? ओपेक का। और मैक्सिमम ऑयल जो है एक्सपोर्ट जो जहां से होता है वो यही है, चाहे वो अमेरिका ऑयल खुद खरीदता हो बाहर से, ठीक है, या इंडिया खरीदता हो या चाइना खरीदता हो, कोई खरीदे, हमारा जो सोर्स है वो सोर्स ओपेक। यही ओपेक है जो प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, तो सी वॉज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग। हां, उनका आधा बात झूठी होता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली गलत नहीं कहा, क्योंकि ये ओपेक डिटरमाइन करता है प्राइस। बाद में बताएंगे कैसे ओपेक डिटरमाइन करता है, ठीक है। चलिए, ओपेक का गठन हो गया, हम ग्लोबल पॉलिटिक्स देख रहे हैं ऑयल का। ओपेक गठन हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि अब डिकेड ऑफ 1970s में पहुंच जाते, 1970 के डिकेड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं बता दूं, ये वॉर से पहले का थोड़ा कहानी बताता हूं कि 1970s आते तक ब्रिटिश जो है बहुत ज्यादा कमजोर बन गया था, ठीक है। ब्रिटिश वेयर नॉट द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दैट टाइम, अमेरिका सुपरसीडेड एवरीवन, ठीक है। सो देयर वाज बाइपोलर वर्ल्ड, वन ऑन वन हैंड यू हैव वेस्टर्न एलाइज, ऑन द अदर देयर इट इज यूएसएसआर, ठीक है। तो दोनों में लड़ाई तो हुई नहीं कोल्ड वॉर का, लेकिन समय था, ठीक है। तो यूके जो है, ध्यान रखिएगा, यूके जो है वो मिडिल ईस्ट से क्या कर लिया, अब पहले मिडिल ईस्ट में मोस्टली जो है जो इंग्लैंड वाले हैं, यूके वाले हैं, वही सुरक्षा प्रोवाइड करती थी बाय एंड लार्ज, ठीक है, बाय एंड लार्ज वही सुरक्षा प्रोवाइड करती थी। लेकिन उनका डोमेस्टिक फ्रंट पे इतना अच्छा नहीं था, तो अपने आप को क्या कर लिया उन्होंने, विड्रॉ कर लिया सिक्योरिटी, बोला मैं सबको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी मैं दे सकता हूं। तो पैसे तो मिडिल ईस्ट वाले बहुत कमा लिए थे, मिलिट्री वाइज से बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन पैसा बहुत था इनके पास, ऑयल को बेच बेच के पैसा कमा रहे हो, वही है। तो उस टाइम में जो दो बहुत पावरफुल प्लेयर वहां इमर्ज होके आया और मिडिल ईस्ट में अनाउंसमेंट किया कि भाई तुम लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग सिक्योरिटी तुमको प्रोवाइड करेंगे। कौन सा वो दो कंट्री था? एक था सऊदी अरेबिया, दूसरा था ईरान। ईरान और सऊदी अरेबिया में नहीं बनता है, वो सिया सुन्नी का केस है, ठीक है। लेकिन वो दोनों लीडर बन के निकले कि हम लोग सबसे सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग को वेस्टर्न सिक्योरिटी का जरूरत नहीं है, पैसा तो था ही उनको, अब मिलिट्री पे ध्यान देंगे। उसी टाइम में आपको 1973, ठीक है, इधर लिखा भी है 1973, योम किपुर वॉर शुरू हुआ। योम किपुर वॉर क्या, किसके किसके बीच में था? तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये है आपका इज़राइल, ये है इज़राइल, ठीक है, ये है इज़राइल, ओके, इज़राइल वर्सेस जो भी सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ठीक है। चारों तरफ से इस पे क्या कर दिया, इज़राइल पे हमला कर दिया ये सब कंट्री मिलके, ठीक है। कौन कौन? आपको जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया। इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन ने इनको जो सिक्योरिटी, इन्होंने सऊदी वाला बोला जो प्रोवाइड करेंगे, इराक बोला, तो ये लोग उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं किए, लेकिन हाँ सपोर्ट किए बहुत तरह से, ठीक है। लेकिन इज़राइल तो इज़राइल है भाई, इज़राइल ने सबको हरा दिया, एक साथ चारों फ्रंट पे लड़ाई किया, सबको हरा दिया।
और ये एक एरिया आता है, इसको सेनाई पेनिनसुला भी बोलते हैं इजिप्ट का, उस एरिया को भी क्या कर लिया, हड़प लिया इन्होंने, ठीक है, किसने, इजराइल ने। अब देखो इजराइल एक कंट्री है जिसको कि अमेरिका बहुत फेवर करती है, ठीक है, इजराइल एक कंट्री है जिसको अमेरिका बहुत फेवर करती है। इजराइल जो है वहां पे कौन रहते हैं, ज्यू स्टेट है, ज्यूज जो है वो लोग रहते हैं। और इजराइल का हिस्ट्री बहुत ही लंबा चौड़ा हिस्ट्री है, किसी और दिन उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इजराइल जो था उनको अमेरिका का सपोर्ट था, ब्रिटिश का सपोर्ट था। अमेरिका उसको क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका का इकोनॉमी 70% इकोनॉमी कौन कमांड करता है, ज्यू कमांड करता है। एकेडमिक्स फील्ड में जो है सबसे ताकतवर कौन है अमेरिका में, जो प्रोफेसर हो गए, रिसर्चर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सब वो है ज्यू। तो रिसर्च और उसमें भी सबसे ताकतवर है और पैसों के मामले में सबसे ताकतवर हैं। तो अमेरिकन पॉलिसी मेकर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि भाई तुम इजराइल को सपोर्ट करो, ठीक है। तो इजराइल को सपोर्ट किया उन्होंने, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, बहुत कंट्री ने, वेस्टर्न कंट्री ने सपोर्ट किया यहां पे, सपोर्ट इजराइल को। वैसा नहीं कि तुम कुछ आर्मी देकर सपोर्ट कर लो, उसको उसका जरूरत नहीं, मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, आई स्टैंड बिहाइंड यू, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इजराइली ने सबको हरा दिया एक तरफ से और ये जमीन भी हड़प ली, ठीक है। अब याद रखिए ओपेक तो बन गया है 1960 में ही। अब इस समय पे, इस वक्त पे, ठीक है, इस वक्त पे ऑयल को पहला टाइम ओपेक ने यूज किया एज अ पॉलिटिकल वेपन, एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में इजराइल ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सॉरी ओपेक ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूज किया। और 1973 में ही क्या कहते हैं, कहा जाता है फर्स्ट एनर्जी क्राइसिस भी कहा जाता है, एनर्जी का बहुत क्राइसिस। उस टाइम में पूरा वर्ल्ड का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क किस चीज पे चल रहा है, ऑयल पे चल रहा है। ऑयल कहां से जा रहा है, मिडिल ईस्ट से। तो ऑयल क्राइसिस क्रिएट कर दिया, कैसे भाई, सप्लायर यही लोग हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यही सब, सब जितने कंट्री देख रहे हो यही सब मेजर सप्लायर है, ओपेक का मेंबर है। तो इन्होंने सप्लाई किया ऑयल, ठीक है, सप्लाई। लेकिन जब वॉर हुआ तो देखा कि वेस्टर्न कंट्री तो इजराइल को फेवर कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बोला कि वेस्ट का जितना भी एलाई है, मतलब सॉरी इजराइल का जितने भी दोस्त हैं, एलाइज हैं, उनको हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। ओपेक ने बोला जो इजराइल के जितने भी दोस्त हैं उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं ऑयल, जो करना है कर लो, ठीक है। अब ये टाइम में जब इन्होंने बोला कि हम अपने पास रख लिए, प्रोडक्शन करना बंद कर दिए, कम कर दिए कि भाई मेरे को एक्सपोर्ट ही नहीं करना है, तो एक बहुत दुनिया में पूरा हाहाकार मच गया, पूरा लोग परेशान हो गया, वेस्टर्न कंट्री परेशान हो गया, वहां पे ऑयल का प्राइस अचानक से स्काई रॉकेट हो गया। क्यों, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे चलता है, डिमांड तो मार्केट में बहुत है और ये लोग जो ओपेक वाले कंट्री है वो प्रोड्यूस क्या कर दिए, कम कर रहे हैं, प्रोडक्शन ही बंद कर दिया उन्होंने, बोला तेरे को बेचेंगे ही नहीं हम, तेरे को जो करना है कर ले। तो ऑयल का डिमांड तो बहुत, सप्लाई बहुत कम है, तो क्या हो गया, प्राइस जो ग्लोबल ऑयल प्राइस क्या हो गया, सूट कर गया, बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गया। यह पहला टाइम था जब ओपेक ने ओपनली पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया ऑयल को, ठीक है। तो दुनिया पे प्रेशर आ गया, फिर चलो निगोशिएशन हुआ, इजराइल ने यह जमीन जो सिनाई पेनिनसुला लिया था उसको छोड़ा और वापस अपना बॉर्डर पे आ गए, ठीक है, यही इनका बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे वापस आ गए। तो ये कहानी था किपुर वॉर का। लेकिन अब जो वेस्टर्न कंट्री थे वो समझ गए कि कल के डेट में हो सकता है कि हमको सिमिलर प्रॉब्लम हो, फिर से ऐसा कुछ हो गया तब क्या करेंगे। तो वो लोग बोला कि नहीं, अब जब हम एनर्जी को देखेंगे तो हमें कुछ अलग नजर से देखना पड़ेगा, कुछ और चीज दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ हम लोग अगर ओवर डिपेंडेंट रहे इन कंट्रीज पे तो हमारा इकोनॉमी कभी भी गिर सकता है, वो 1973 में जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उस तरह का फिर से क्राइसिस आ सकता है, ये चीज कहा गया।
उन लोगों का पॉलिसी मेकर ने सोचा। तो वेस्टर्न का क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, रिस्पॉन्स ऑफ द वेस्ट, ओके, वेस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहा। तो उन्होंने दो तरह से काम करने का सोचा, दो लेवल पे काम किया। पहला चीज, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पे फोकस करना शुरू किया। ऑयल एक मेजर एनर्जी सोर्स है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इसके अलावा, अल्टरनेटिव हो सकता है आपका हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर हो सकता है। और जो कोल पे जो उन लोगों का फोकस थोड़ा कम हो गया था, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट कोल पे। बोला कि नहीं, सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, हमको अपना सोर्स डेवलप करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स अदर देन ऑयल। ये उसका स्ट्रैटेजी नंबर वन था, किसका, वेस्टर्न कंट्री का, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग जितने हैं, ठीक। दूसरा चीज इनका अप्रोच क्या था कि नए सोर्स ढूंढो, कि ऑयल ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वेस्ट में ही, मिडिल ईस्ट में ही मौजूद है, हर जगह नहीं है, हम लोग वहां ऑयल ढूंढेंगे। तो बाद में और साइंटिफिक लिटरेचर इतना बढ़ गया तो यह पता चला कि जो समंदर में भी बहुत ऑयल है, ठीक है, कहां पे ऑयल कैसे कैसे बनता है वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। ऑयल बनने का प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है, थोड़ा देर बाद। तो उन्होंने क्या शुरू किया, ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग, ठीक है, एक होता है ऑनशोर, एक होता है ऑफशोर। ऑनशोर मींस कि आपका जमीन पे आप कर रहे हैं, आपका जो नॉर्मल जो ये है, जो जमीन है उस पे कर रहे हैं। ऑफशोर मतलब हो गया शोर से दूर, मतलब कि समंदर में आप उसको गड्ढा कर रहे हैं, वहां से ऑयल निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे फोकस किया गया यहां पे, ठीक है। और ये पाया गया कि नॉर्थ सी में ऑयल ड्रिलिंग शुरू हुआ और वहां पे ऑयल मिल गया, खूब सारा ऑयल मिला। तो नॉर्थ सी कहां पे है आपका, नॉर्थ सी है इंग्लैंड से जब ऊपर जाएंगे तो उस वो बीच का जो एक टेरिटरी आता है वो उसको कहते हैं नॉर्थ सी, ठीक है। तो वहां पे ऑयल मिला, तो फिर बोला कि नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन पे ही मिलेगा, समंदर में भी मिलेगा, तो ढूंढना कोशिश करो। इंडिया में भी एक जगह आपने देखा होगा फोटो में, बॉम्बे है, जिस जगह का नाम है बॉम्बे है, बॉम्बे है पे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑफशोर ड्रिलिंग करके, कि उसी तरह से ड्रिल करो, निकालो, फिर ट्रांसपोर्ट करके जमीन पे लाओ, रिफाइन करो, फिर पेट्रोल डीजल की तरह यूज करो, ठीक है। तो वेस्ट ने अपना पॉलिसी में थोड़ा चेंज लाया, ठीक है, पॉलिसी में चेंज लाया, और उधर थोड़ा माहौल ठंडा हुआ, जो किपूर वार 1973 में हुआ था, फिर निगोशिएशन होके अपना टेरिटरी वापस किया, थोड़ा उधर भी ठंडा हुआ, फिर ऑयल का धीरे धीरे सप्लाई ठीक हुआ। इन्होंने वेस्ट ने क्या किया, दो डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया, और इन्होंने क्या किया कि ऑयल भी प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू हुआ। तो ऑयल क्राइसिस पहला वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ईरानियन रिवॉल्यूशन, ईरान में रिवॉल्यूशन आ गया। बहुत दिन से उसे नेशनलिज्म वाला चल रहा था लेकिन किसी तरह से दबा के रखा, लेकिन अब जो वहां पे बहुत रेडिकल एलिमेंट जो थे, ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो थे ईरान में, वो लोग क्या किए, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए, ठीक है। रिवोल्ट का जो कोर पर्पस था वो दो पर्पस मेनली था। पर्पस नंबर वन कि जो हमको जो है इस्लामिक स्टेट बनाना है, दूसरा नंबर था कि ये जो वेस्टर्न कंट्री है उसको भगाना है, ठीक है। तो अमेरिका का एम्बेसी पे अटैक हुआ, अमेरिका का एम्बेसी में बहुत लोग थे, उनको मार दिए गए, पब्लिकली उनको मार के हैंग कर दिया गया, पब्लिक उस पर क्रेन वेन से लगा के ऊपर या बिल्डिंग पे से ही कर दिया, जितने थे बहुत लोगों को मारा उन्होंने, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्री के थे, अमेरिकन बहुत थे वहां पे, उन सबको बहुत लोगों को मार दिया गया, ठीक है। कंप्लीटली वेस्ट के खिलाफ हो गई ये, ठीक है, कंप्लीटली वेस्ट और अमेरिका, वेस्ट मतलब अमेरिका लेड, उनको खिलाफ हो गए, और वहां पे एक नया
तरह का शासन आ गया, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, क्या आया, इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक आ गया। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आप बहुत टाइम तस्वीर देखते होंगे सोशल मीडिया पे, ईरान इन 1970s एंड ईरान इन 2021, तो अभी का ईरान देखेंगे तो वहां की जो महिलाएं हैं या जो भी हैं वो पूरा बुर्का पहन के पूरा ढक के रखती है, ठीक है। उस टाइम का ईरान देखेंगे तो ईरान देखेंगे कि तो आपको दिखेगा कि जो महिलाएं स्पेशली वो है चश्मे लगाई हुई है, शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, तो ये चीज दिखता था और कहता था कि देखो ईरान को रिवर्स डायरेक्शन में चला गया। अब ईरान रिवर्स डायरेक्शन में गया नहीं गया वो एक डिबेट का मैटर है, लेकिन उस टाइम में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में बहुत चीज काम करता था, तो अमेरिका में जैसा लिविंग स्टाइल था, जैसा कल्चर था, ड्रेसिंग सेंस था, वो ड्रेसिंग सेंस वहां भी दिखता था। लेकिन जब से ये रिवॉल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रिपब्लिक उसको बना दिया गया है ईरान को, ठीक है, उस समय से क्या हुआ, जो सरिया के बेस्ड पे जो भी रूल्स लॉज हैं, सरिया के जो इस्लामिक लॉ हैं उसके अनुसार वहां पे चलता है, ठीक है। तो उसका बेसिस क्या है, ये जो बोलते हैं कि ईरान हैज गॉन बैकवर्ड और ईरान हैज गॉन फॉरवर्ड, उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक है, बनना, और ईरानियन रिवोल्यूशन 1979। अब देखो ईरान एक मेजर प्रोड्यूसर था और वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, पूरा सब तरह से चेंज आने लगा। फिर क्या हुआ, उस एरिया में ऑयल का जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, बहुत डाउन चला गया, बहुत ज्यादा डिप कर गया, और कहा जाता है इसके कारण से सेकेंड तुम्हारा एनर्जी क्राइसिस हुआ, इट लेड टू सेकेंड एनर्जी क्राइसिस, दोबारा से वहां एनर्जी क्राइसिस हुआ, ठीक है। अब चलो मिडिल ईस्ट बहुत वॉलेटाइल रीजन है, तो देखते रहो क्या क्या हुआ, और सबका पीछे अगर आप देखोगे ना, ऑयल कहीं ना कहीं है, यहां पे भी ऑयल कहीं ना कहीं था, उनको लगा क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहां और कोई रिसोर्स है, ऑयल रिसोर्स है, तो उसको लगा कि हमारा ऑयल हमको ज्यादा पैसा नहीं दे रहे, लूट के तुम ले जा रहे हो, वो सेंटिमेंट जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आगे। अब देखो उसके बाद 1980s के डेकेड में आते हैं, 1980s में क्या हुआ कि आपका इराक और ईरान, ये है तुम्हारा ईरान, ये है आपका इराक, ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। ये वॉर जो चला कितने साल तक चला, 8 साल तक चला, 88 तक ये वॉर चला, और एनर्जी फिर वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, प्रोडक्शन बंद हो गया। अब देखो ईरान था जो कि 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन, और एंटी वेस्ट था, अमेरिका और उनके जो एलाइज है उनके विरोध में एक तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और इराक जो था वैसा कुछ हुआ नहीं था इराक में, तो अमेरिकन और जो वेस्टर्न एलाइज थे वो बहुत ज्यादा हेल्प किए किसको, इराक को, किसको हेल्प किए, इराक, सद्दाम हुसैन वाला इराक जिसपे बाद में उन्होंने अटैक किया 2003 में, ठीक है। तो इराक जो है उसको बहुत इक्विपमेंट सप्लाई किया उन्होंने, आर्म्स, मतलब चाहे बंदूक हो, तोप हो, इस तरह का जो भी चीज है उनको बहुत सप्लाई किया, बहुत ताकतवर मिलिट्री बन गया, और ये दोनों के बीच में लड़ाई चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा, ठीक है। 1986 में क्या हुआ कि 1986 में, ठीक है, 6 साल बाद, ऐसे तो लड़ते रहे ये लोग धीरे 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 धीरे, लेकिन अब जो है ना, ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया, ठीक है, यहां पर बहुत सारा ऑयल फैसिलिटी है जहां से ऑयल निकाला जाता है। इन्होंने टारगेट, इराक वाले ने टारगेट किया ईरान वाला फैसिलिटी पे, ईरान वाले ने टारगेट किया इराक वाले फैसिलिटी में। अब देखो यहां पे अमेरिका का डायरेक्टली इंटरेस्ट क्या हो रहा था, क्वेश्चन हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहां से ऑयल निकाल के वो ले जा रहे थे अपना कंट्री में। अब इसको कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अपना शिप को यहां भेजना पड़ा, नेवी को भेजना पड़ा, ताकि यहां पर प्रोटेक्शन
प्रोवाइड किया जाए। और वो जो नेवल जो जिसको भेजा गया था वो कौन सा था? फिफ्थ फ्लीट, ठीक है, उसका नाम था फिफ्थ फ्लीट। फिफ्थ फ्लीट को भेजा गया यहां पे ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब उस टाइम का अगर देखोगे तो टोटल ओपेक जो है, ओपेक वर्ल्ड में सिर्फ 30% ही प्रोड्यूस कर रही थी और जो रिमेनिंग जो 70% हो गए बच गए वो वर्ल्ड था। वर्ल्ड में आपको 70% ही, वर्ल्ड 70% प्रोड्यूस कर रहा था और ओपेक जिनके पास सबसे ज्यादा ऑयल है, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं। क्यों? लड़ाई झगड़ा में ही अपना वो लोग थे, ठीक। तो अब इस 1988 में, ठीक है, हमने बोला 8 years वॉर है, 80 में स्टार्ट हुआ था, 1988 में, ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ? वॉर एंड हो गया, दोनों में डील साइन हुआ, हम दोनों पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? देखो प्रॉब्लम क्या हुआ कि ईरान, इराक जो है वो युद्ध लड़ना है तो पैसे बहुत चाहिए, आदमी चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए, मशीन गन टाइप चीज, काइंड ऑफ दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ओके, ऑल दोस थिंग्स आर नीडेड। सो इराक ने बहुत लोगों से पैसा लिया, मेनली सऊदी अरेबिया से पैसा लिया और कुवैत से पैसा लिया। कुवैत कहाँ है? कुवैत यहां पे, ये छोटा सा कंट्री, ये वाला कंट्री है, कौन है? कुवैत, अमीर है, तो कुवैत से पैसा लिया, ठीक है। तो मतलब कि ईरान, इराक जो है बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया, वॉर का एंड तो हो गया लेकिन बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गया। अब कर्ज में डूब गया, उसके बाद कुवैत क्या किया? इससे बोला कि भाई तुम मेरा पैसा लौटाओ करके, किसको? इराक को। तो उस टाइम में जो इस इलाके में पूरा, चाहे सऊदी हो, ईरान हो, इराक हो, कुछ भी हो, सीरिया हो, कुछ भी हो, ठीक है, सबसे ताकतवर मिलिट्री किसका था? तो इराक का था। तो कैसे कह सकता हूं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर था? इसलिए कि एक तो उस टाइम में फील्ड रेडी थी, फील्ड में सबसे ज्यादा फाइटिंग उन्होंने किया था ईरान के साथ। दूसरा, उनके पास बहुत एडवांस वेपनरी था जो अमेरिका, इंग्लैंड ये लोग प्रोवाइड किए थे 8 years वॉर में, वो मशीनरी था। तो बोला मौका अच्छा है और हम कुवैत को हरा के कुवैत को कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पैसा मांग रहा है बार बार, सदाम हुसैन ने सोचा कि इसको हमला करके कब्जा कर लेते हैं, सब मैनेज हो जाएगा। अब तो हमला तो कर दिया, उसी का नाम है गल्फ वॉर। तो ये है तुम्हारा कुवैत, ओके। इराक ने हमला कर दिया कुवैत पे, ठीक है, इधर सऊदी, इधर है ईरान, ये है, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ, फाइन, या समंदर, ओके। हमला कर दिया इस पे, हमला कर दिया। अब कुवैत कौन है? कुवैत ने एग्रीमेंट साइन किया था यूएस से, ठीक है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो जब तुम्हें कोई, हमें, हम पे कोई हमला करे तो, जब भी आप पे हमला होगा तो सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको किया जाएगा, गॉट इट। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड इनको करना था। तो इसमें क्या हुआ, अमेरिका को 1990s में ये था, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया, अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। और इस टाइम में क्या हुआ कि आपका जो जॉर्ज बुश जो दूसरी बार हमला किया इराक पे, उसके पिताजी प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने हमला किया लेकिन अमेरिका जीत नहीं पाया, वॉर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा ऑयल, जो जहां पे ऑयल मिलता है जमीन नीचे, ठीक है, ऑयल फील्ड जिसको कहते हैं, उसमें क्या कर दी? आग लगा दी, आग लगा दिया उसमें पूरा, ठीक है, आग लगा दिया। तो फिर इतना ज्यादा धुआं धुआं हुआ कि पूरा आसमान धुआं से ढक गया। अब फाइटर प्लेन्स, अमेरिका के फाइटर प्लेन्स को दिखता ही नहीं था नीचे कि भाई बॉम्ब गिराएं तो कहां गिराएं, क्योंकि पूरा काला काला बादल टाइप आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑयल का फील्ड में ही आग लगा दिया था भाई साहब ने।
तो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें। तो एक तरह से आप कहो तो इराक जो है कुवैत को कब्जा तो नहीं कर पाया, लेकिन लेकिन अमेरिका जीत भी नहीं पाया। ठीक है, अब इसी टाइम पे अमेरिका सोचा कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी है जो कि ऑयल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो तब तक सिक्योर्ड नहीं होगा जब तक कि, और ये इलाका आप देख रहे हो इतने दिन से लड़ाई ही चल रहा है, परमानेंट बेस वहां पे हम स्टेब्लिश ना करें। तो अमेरिका ने क्या किया, ये सब जो देख रहे हैं आप जितना भी परमानेंट बेस उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया मिडिल ईस्ट में, ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब तुम्हारा वहां पे अमेरिकन बेस है, कहीं पे 2000 सोल्जर, कहीं पे 1000 सोल्जर, कहीं पे 5000 सोल्जर, ऐसे कर करके उन्होंने किया है। और ये देखिए जो बहरीन है वहां पे यूएस का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, इनफैक्ट बहुत बड़ा फ्लीट है नेवी का, बहुत पावरफुल नेवी है वो, और उनका का हेडक्वार्टर भी यहां है। और ये सब जितने देख रहे हैं ना ये सब उनका आप एक मिलिट्री बेस है, हर जगह है। ये देखो कैंप जस्टिस में है, ठीक है, ये है, ये है, सब देखो ये सब जितने भी हैं सब यहां पे परमानेंट मिलिट्री बेस उन्होंने बना लिया। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कोई किसी और से वॉर करे तो अमेरिका है वहां पे, ठीक है। या हमने तो साइन तो कर लिया एग्रीमेंट, जैसे कतर था, कतर ने कुवैत था, कुवैत ने साइन किया किससे, अमेरिका से, लेकिन फिर भी अमेरिका आया उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको हिम्मत क्यों हुआ कि कुवैत पे अटैक कर दे इराक, क्यों? क्योंकि वहां पे परमानेंट बेस नहीं था, बाद में परमानेंट बेस बनाया गया, ठीक। तो यहां तक कहानी था, जियोपॉलिटिक्स ऑयल सेंटर्ड है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है आपको यह चीज समझ में आ रहा होगा, और हर चीज ऑयल से रिलेटेड है। अमेरिका इतना अरबों डॉलर खर्च करके यहां पे बेस मेंटेन करती है, क्यों? ऑयल, 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 ठीक है, ऑयल को छोड़ दे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब इसके बाद 1993 में सोचा, सऊदी अरेबिया उस टाइम तक बहुत पावरफुल हो गया था पैसों के सेंस में भी और मिलिट्री के सेंस में भी, तो सऊदी ने सोचा कि भाई हम डोमिनेट कर सकते हैं, अभी मौका अच्छा है, इराक, ईरान इराक में कुछ दिन पहले वॉर हुआ है, इराक में अभी फिर से वॉर कर लिया है, अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट, अभी क्या हम बन सकते हैं सबसे पावरफुल बन सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, खूब प्रोड्यूस करना शुरू किया, नया नया ऑयल फील्ड को एक्सप्लोर किया, खूब प्रोड्यूस करना शुरू किया, और 94 में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया। 1994 में सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला बन गया, ठीक है। अब ऑयल प्रोड्यूस करने वाला वो बन गया, ये तो चलो ठीक है, लेकिन फिर ये दिखा कि भाई हमारा, हम तो बन तो गए लेकिन ऑयल प्राइस बाय एंड लार्ज लो ही रह रहा है, ठीक है, और ऑफशोर जो है बहुत कॉस्टली बन गया है, ऑफशोर जो है बहुत कॉस्टली, मतलब इतना ज्यादा इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया ना कि ऑयल का प्राइस बहुत घटा दिया, सऊदी अरेबिया ने इतना ज्यादा प्राइस कर लिया तो ऑयल का प्राइस जो है बहुत घट गया। जब ऑयल का प्राइस घट गया सब लोग सऊदी से ही खरीदने लगे, अमेरिका में जो प्रोडक्शन होता था अमेरिकन कंपनी भी सऊदी से ही लेके जा रहे हैं ऑयल, ये ओपेक वाले से ही फिर भी खरीद रहे हैं, और इतना ज्यादा, और वो इनको ऑफशोर जाने का जरूरत नहीं था, दूसरे लोग ऑफशोर धरती में मतलब समंदर में जाकर ड्रिल करके निकाल रहे हैं, उनको क्या कर दिया, बहुत एक्सपेंसिव कर दिया। पर्पस क्या था कि हम लोग इतना प्रोड्यूस कर दे ऑयल, सऊदी का पर्पस था कि इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर दे ऑयल कि कोई और कंपटीशन रहे ही ना, कोई नया एक्सप्लोरेशन हो ही ना, क्योंकि कोई इतना ज्यादा पैसा क्यों डालेगा उसमें, अरबों करोड़ों डॉलर आपने डाला, उससे ऑयल जो निकला वो बहुत एक्सपेंसिव ऑयल निकला, महंगा ऑयल निकलेगा, ज्यादा खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी भी कमोडिटी का ज्यादा होगा तो प्राइस ज्यादा होगा। इसको प्रोड्यूस करने में आज मान के चलो इसका प्लास्टिक का कीमत है जो भी 10 रुपए लग रहा है, अगर इस स्टाइलस को प्रोड्यूस करने में, अगर कल के डेट में
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इसका 12 रुपए हो जाए तो हम 10 रुपए में बेच सकते हैं क्या? नहीं, तो कितना में बेचेंगे? 15 में बेचेंगे, 20 में बेचेंगे ऐसे। तो वो क्या कर दिया, उस तरह का ऑयल जो ऑफशोर से निकलता है उसको कॉस्टली हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने इतना प्रोड्यूस किया, इतना प्रोड्यूस किया, सबको बोल रहा है भाई सस्ते में ले ले हमसे, क्या दिक्कत है। तो एक तरह से प्राइस वॉर शुरू हो गया है, ठीक है, कह लो कि ग्लोबल प्राइस वॉर शुरू हो गया। किस किस के बीच में लड़ाई? मेनली वेस्टर्न कंट्रीज वर्सेस ओपेक, ओपेक और वेस्टर्न कंट्री में एक तरह से शुरू हो गया, ठीक है। अभी भी लेकिन अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता था, वहीं से प्रोड्यूस मंगवा रहा है कंपनी सब, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो भी है, ओएमसीज जो है वो सऊदी से ही मंगवा रही है। तो सऊदी खूब पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, और इनडायरेक्टली एक तरह से ये प्राइस वॉर शुरू हो गया। तो वेस्टर्न कंट्री ने सोचा कि भाई क्या करें क्या करें, ठीक है, तो बोला कि अब कुछ करना होगा, ऑयल कंपनी जो है उसमें मर्ज करना होगा, ठीक है, ऑयल कंपनी जो है मर्ज करना होगा। तो ऑयल कंपनी पहले कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 कंपनी थे, बड़े कंपनी, 16 कंपनी था वेस्ट में। उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो मोनोपोली नहीं चल पाएगा, वेस्ट जो हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो लोग क्या कर दिए, अपने आप में मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया और 6 बहुत बड़ा ऑयल कंपनी बनाया गया, एक्जोन मोबिल, रॉयल डच शेल, बीपी, सेवरॉन कॉर्प, कोनोको फिलिप्स, टोटल एसए, ठीक है, और जिसमें कि सेवरॉन, एक्जोन और फिलिप्स कहा गया, सेवरॉन, एक्सॉन और फिलिप्स, ये तीन जो कंपनी है, 1, 2, 3, ये अमेरिका की कंपनी है, और जो तीन कंपनी है ये यूरोपियन मोस्टली कंपनी है। लेकिन सब लोग एक साथ आ गए, जितने भी ऑयल कंपनी थी, बोला कि नहीं, ये जो ओपेक को काउंटर करना है तो हम लोगों को क्या होगा, एक साथ मिलके चलना है। तो जितना सारा कंपनी था सब खत्म हो गया, ये बंद हो गया, सब बंद हो गया, कहने का मतलब, ठीक है, सबको बंद नहीं हो गया, मतलब उन लोग अपने आप को कंसोलिडेट कर लिया, अपने आप को मर्ज कर लिया, मर्ज करके बहुत बड़ा बड़ा कंपनी बनाया। और एक्जॉन मोबिल लगभग 8-9 साल पहले दुनिया का सबसे हाईली वैल्यूड कंपनी था, ठीक है, सबसे ताकतवर कंपनी था ये एक्जॉन मोबिल, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका और उनका रेस्पॉन्स, जो वेस्टर्न कंट्री का रेस्पॉन्स क्या था, कंसोलिडेशन, ठीक है। वो लोग क्या किए कि ज्यादा प्रोड्यूस करके वहां पे कम कर दिए, वहां का प्राइस बढ़ा दिया, यहां का प्राइस घटा दिया, तो जहां पे कम प्राइस होगा वर्ल्ड वहीं से खरीदेगा, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेशन शुरू किया, ठीक है। चलो, अब अच्छी बात है कंसोलिडेशन, सबको अपना अपना पावर है, सब जो भी चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, अमेरिका में अटैक हो गया, ठीक है। अभी तक सऊदी से बहुत अच्छा ही संबंध चल रहा था, अभी भी चल रहा, ठीक ही, लेकिन क्या हुआ बताता हूं। ट्विन टावर 9/11 अटैक, ठीक है। अब ये अटैक हुआ और बहुत सारा चीज चेंज हो गया इस दिन। टोटल जो अटैकर्स थे उसमें 19 अटैकर थे, 19 अटैकर्स, हवाई जहाज हाईजैक करा था, 19 लोगों ने मिलके हवाई जहाज हाईजैक करा था, और उस 19 में से 15 जो टेररिस्ट थे वो कहां के थे, सऊदी अरेबिया। 19 टेररिस्ट में 15 जो थे वो सऊदी अरेबिया के टेररिस्ट थे, सऊदी अरेबिया के, ठीक है। अब जब सऊदी अरेबिया के टेररिस्ट थे, मतलब कि टेरर क्यों क्यों फैला रहा है, गवर्नमेंट तो नहीं किया होगा, लेकिन वहां पे क्या स्टार्ट हो गया मिडिल ईस्ट में, उसी नेशनलिज्म के कारण से आप एक तरह से बोलो, और ईरानियन रिवॉल्यूशन सेकंड कारण है, वहां पे रेडिकलिज्म बहुत स्टार्ट हो गया। रेडिकल बन गए, रेडिकल मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि बहुत रूढ़िवादी हैं, बहुत इंटरप्रिटेशन उनका कोई भी चीज का जो है ना बहुत नैरो होता है, और वो जो जो सोचते हैं उनको लगता है कि वही चीज करेक्ट है, ओके, और उसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए
नहीं है रेडी। तो इस्लामिक रेडिकलिज्म आप कह सकते हो उस टाइम में स्टार्ट हो गया। और सऊदी अरेबिया बाय एंड लार्ज जो फॉलो करती है उस जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो वहाविज्म को फॉलो करती है। वहाविज्म बहुत ही रेडिकल वर्जन ऑफ इस्लाम है, ठीक है। और वही वहाविज्म उन्होंने हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तान को भी ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान भी उस वहाबी इन्फ्लुएंस में बहुत आ गया, क्योंकि सऊदी पे जब इमरान खान को पैसे भीख मांगना हो तो मांगते रहते हैं वो लोग, तो कहां जाता है, सऊदी जाएगा नहीं तो चाइना जाएगा, तीसरा कंट्री कोई देता नहीं है उसको, ठीक है। तो सऊदी वहां से वो रिलीजियस आइडियोलॉजी उन पे इंपोज कर दिए, तो वहां पे भी बहुत वहाबिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत ज्यादा पकड़ है। वही सेम चीज, ध्यान रखिएगा, वही सेम चीज पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर में हो जाए। जम्मू कश्मीर का बाय एंड लार्ज अगर आप इतिहास देखेंगे, ट्रेडिशन देखेंगे, तो सूफी ट्रेडिशन का रहा है वहां पे, ये सूफी वर्जन रहा है वहां इस्लाम का। वो अलग तरह के हैं, बहुत अच्छे हैं, हाँ, जो हमारे कश्मीरी भाई भाई बहन है। लेकिन पाकिस्तान क्या चाह रहा है वहां पे, वही वहाबिस्ट आइडिया वहां पे डाल दे, वहां के सब लोग रेडिकलाइज हो जाए और इंडिया को जो भी करे वो आप जानते ही हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ दिन पहले एक और अभी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है, वो मतलब उनका लीडर मारा गया, ऑर्गेनाइजेशन तो है ISIS, ठीक है, ISIS का नाम सुना होगा। ISIS क्या है, कौन सा आइडियोलॉजी पे चलती है, वही वहाबिस्ट टाइप का ही चलती है, लेकिन उसका नाम है सलाफिज्म, सलाफिस्ट आइडियोलॉजी से चलती है। तो वो बोलती है कि हमारा जो वर्जन है और इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का, सिर्फ वही वर्जन राइट वर्जन है, इसका कोई और वर्जन जो है वो काफिर है और उसको सबसे पहले मारो, ठीक है। तो हमास टाइप ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो इसराइल में कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था, इवन हमास टाइप ऑर्गेनाइजेशन को सलाफिस्ट मानते हैं कि ये बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं इस कहानी में। तो हमने क्या कहा, यह रेडिकलिज्म शुरू हो गया। अब 19 में से 15 लोग सऊदी अरेबिया के ही हैं। तो अब यूएसए ने अपना स्ट्रैटेजी में बहुत सारा चेंजेस लाया, एनर्जी तो चाहिए उसको, ठीक है, एनर्जी चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट बहुत जगह हो गया, उसने अफगानिस्तान अटैक किया 2001 में, उसके बाद 2003 में उन्होंने इराक पे अटैक किया, ठीक है, डायरेक्ट अटैक जिसको कहते हैं फ्रंटल अटैक, वो सब अटैक किया, ओके। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपना चेंजेस भी लाया अपना पॉलिसी में, उन्होंने सेल गैस जिसको बोलते हैं, सेल गैस ढूंढ लिया। तो सेल गैस क्या होता है कि अमेरिका में बहुत मिला सेल गैस। तो अब देखिए सेल गैस जो होता है ना वो कैसे ये होता है, ये आप देख रहे हैं नीचे जो होता है ना, बहुत सेल फिशर्स होता है, ये थोड़ा टूटा टूटा है मान लो, ठीक है, यहां पे आपको गैस मौजूद होते हैं, ठीक है, गैस मौजूद होता है, ठीक है। तो इस गैस को लाना है तो ये लोग क्या करते हैं कि वाटर सैंड और कुछ केमिकल जो है इसको यहां से डालते हैं, ठीक है, डालते हैं और उसमें जो पावर होता है ना कि उसको सोख ले, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं गैस जो है ना, यहां से यहां जब डालते हैं तो गैस यहां से निकल के, वो एम्प्टी स्पेस है ना, गैस यहां से निकल के इस पाइप में आ जाती है, ठीक है, और इस पाइप से वो इधर से जिस पाइप से उसने डाला उसी पाइप से बाहर निकल के आपको गैस मिल गया। तो गैस का वहां पे खोज हो गया। अब एक नया तरीका का चीज था, उस तरह का चीज पहले नहीं टेस्ट किया गया था, अमेरिका में भरदम मिला। अब उसने अमेरिका ने इसको फोकस करना शुरू किया, बहुत सारा रिजर्व ढूंढा अमेरिका में, बहुत रिजर्व है सेल गैस का। तो बोला ठीक है हम ऑयल वहां से नहीं लेंगे, यहीं से अपना काम हो जाएगा, सेल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन एक्सप्लोड कर गया, अब देखो जिसे अमेरिका लार्जेस्ट इंपोर्टर था, सबसे ज्यादा ये कर रहा है, और सेल गैस अगर वहां पे होने लगेगा तो चाइना और ये लोग कंट्री हैं, ये लोग भी इंडिया है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, बोलेंगे भाई सेल गैस ही ले आते हैं, गैस तो को ट्रांसपोर्टेशन और इजी होगा, सेल गैस वाला कर लेंगे, खुद अपना ढूंढना शुरू कर दिए तो क्या होगा। इस तरह का चीज थिंकिंग किसके में आया, ओपेक में आया, ठीक है, ओपेक में। उसके बाद
आप कह सकते हो 2014 में फ्रंटल प्राइस वॉर शुरू हो गया, किसमें? बिटवीन द वेस्ट, पर्टिकुलरली अमेरिका एंड द ओपेक, इस दोनों में. अब जो सऊदी अरेबिया था, जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर था, वो उसको ये मजा नहीं आया ना कि अमेरिका में जो सबसे बिगेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी बन जाए. ऑयल कंज्यूमर है तो तुम हमसे इंपोर्ट करो, ठीक है. लेकिन अब वो ये चीज इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है. तो बोला कि जो अनकन्वेंशनल जितना भी है, अनकन्वेंशनल सोर्सेस जो भी है, जैसे कि सेल गैस, ठीक है, इसको नॉन प्रॉफिटेबल बना देंगे हम, इसको मार्केट से गायब कर देंगे. कैसे? प्रोड्यूस करके. तो इसने सबको कन्विंस किया, जितने भी ओपेक वाले कंट्री वाले थे उनको सऊदी ने कन्विंस किया कि अब पूरा ताकत लगा दो, खूब सारा प्रोड्यूस करो, नहीं तो अमेरिका का जो मार्केट है सेल गैस वाला वो ये कर लेगा, ठीक है. और इन लोगों ने, ओपेक ने मिलके इतना प्रोड्यूस किया, इतना प्रोड्यूस किया कि हिस्टोरिक लो पे पहुंचा दिया ऑयल का प्राइस, ठीक है. लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, अमेरिकन कंपनी भी ताकतवर है, उन लोग भी प्रोड्यूस करते रहे करते रहे करते रहे, ठीक है. वो लोग भी कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं. और 2019 में अगर देखोगे, 2019 सिर्फ 19 एक साल में, दे बिकम द बिगेस्ट प्रोड्यूसर. अमेरिका बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गया. वो लोग भी रोके नहीं कि उनको लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग करते रहे और बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन गए, ठीक है. अब 2016 में, अब 2016 में ओपेक से नहीं हो रहा था, ठीक है, तो उन्होंने एक क्या बनाया, ओपेक प्लस, और सोचा कि दबाव में डाल देते ओपेक प्लस. मतलब ओपेक में 13 कंट्री, बोला कि फिर भी देयर वेर सर्टेन कंट्रीज, वहां पे और भी कंट्री मौजूद हैं जो कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं बट ओपेक के मेंबर नहीं हैं, तो बोला कि उनको भी लेके आ जाओ, उनको भी ऑन बोर्ड लाओ, और अब फिर प्राइस वॉर को आगे बढ़ाते हैं. उसमें कौन था? तुम्हारा एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है रशिया. रशिया जो है इज द मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल एंड गैस टू यूरोपियन कंट्री. यूरोप का जो कंट्री है उसको प्रोवाइड करने वाला रशिया है. तो इन्होंने और इनलार्ज कर दिया, ओपेक प्लस बना दिया, जिसमें कि 10 कंट्री एक्स्ट्रा है, मतलब 13 प्लस 10, ठीक है. अजरबैजान, बहरेन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, सूडान, ये सब हैं. तो अब इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ा दिया ताकि अमेरिका पर्टिकुलरली, याद रखिए, उस पर प्रेशराइज किया जा सके, उनका जो प्रोडक्शन है उसको मतलब नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया जाए. और जब नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया जाएगा तो कंपनी कितना दिन चलेगी? बंद करना होगा ऑपरेशन. और जब बंद कर दिया ऑपरेशन तो फिर आपका यहीं से ऑयल खरीदेंगे, तो पैसा सब यही कमाएंगे. तो उसी लिए सऊदी अरेबिया के लीडरशिप में इन्होंने, ओपेक ने डील किया और ओपेक प्लस बना दिया 2016 में. तो ये है पूरा कहानी आपका, अगर देखा जाए तो ये आपका पूरा कहानी है ऑयल पॉलिटिक्स का. अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो है यही. ओपेक डिटरमाइन करती है, ओपेक प्लस को इंक्लूड कर लो, तो वो डिटरमाइन करती है ऑयल का प्राइस क्या होगा. तो एक तरह से उनका मोनोपोली है. इससे नुकसान किसको होता है, दिक्कत किसको होती है, जो कि बहुत ज्यादा अपना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करती है, जैसे कि चाइना भी बहुत प्रोड्यूस नहीं करती है, जापान भी नहीं प्रोड्यूस करती है, इंडिया भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करती है. इन लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, उनसे मांगना पड़ता है, खरीदना पड़ता है. अब इनका प्राइस डेली ऊपर नीचे होता रहता है. एक टाइम में प्राइस वॉर करते करते इन लोगों ने इतना महंगा कर दिया कि एक बैरल का कीमत 150 प्लस डॉलर था,
सोचो, $150 ओपेक प्लस ने, ओपेक प्लस से पहले कहानी बता रहा हूं, $150+ वन बैरल हो गया। वन बैरल कितना होता है, लगभग 158.9 होता है, तो 159 रख लो, 159 लीटर जो है वो आपका एक बैरल होता है $150 प्राइस के आसपास पहुंच गया था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा था, जहां से हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया, कि इट इज नॉट अप टू अस, हम लोग पे नहीं है कि हम लोग इसका डिटरमाइन कर सके प्राइस, ये ग्लोबली डिटरमाइंड है। तो सी वॉज ट्राइंग टू मेंशन दिस, इन लोग को देखो इतना लड़ाई झगड़ा होते होते क्या हुआ कि प्राइस कितना बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। तो इंडिया तो प्रोड्यूस नहीं करती है हम ये, और किसी न किसी से तो खरीदोगे, चाहे ओपेक से खरीदो या प्लस वाला सेगमेंट है उससे खरीदो, यहीं से खरीदोगे ना, थर्ड जगह से कहां से खरीदोगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई और ऑयल प्रोड्यूस करेगा तभी तो खरीदोगे, अपना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। तो यहां पे ये सब समस्या आती है, इसीलिए बोलते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइस डिटरमाइन करता है कि आपका कंट्री में प्राइस क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई जब पाकिस्तान भी प्रोड्यूस नहीं करता, नेपाल भी नहीं करता है, कोई भी कंट्री इधर के नहीं करती है, अफगानिस्तान भी नहीं करता है, बांग्लादेश भी नहीं करता है उतना, वो सब भी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, चाइना भी नहीं करता है, चाइना में भी 88 रुपीस प्राइस है, तो हमारा 100 से ऊपर क्यों है, एक ये है बहुत बड़ा सवाल, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं, जो हमने बताया अब थोड़ा बताते हैं आपको कि ऑयल प्रोड्यूस कैसे होता है, निकाला कैसे जाता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है, थोड़ा उसका भी जानकारी अपने को रहना चाहिए। तो देखिए ऑयल एंड गैस दोनों मोस्टली देखा जाता है एक ही जगह पाया जाता है, फाइन, गैस थोड़ा ऊपर होता है, ऑयल थोड़ा नीचे होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ऑयल का ये है, ये सेगमेंट ऑयल है और ये सेगमेंट गैस है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, ओके। नाउ तो ऑयल और गैस बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है, 10 लाख साल उससे भी ज्यादा लग जाता है प्रोड्यूस होने में। कैसे प्रोड्यूस होता है, मोस्टली जो समुन्द्र में जो भी जीव जंतु होते हैं, प्लैंकटॉन्स या बहुत सारे इस तरह के हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं तो जमीन के तट पे नीचे गिर जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं, वो नीचे पहुंच गए। अब देखो यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो भी है, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, जो भी ले लो, ठीक, वो सब गिर के धीरे धीरे क्या होता है, लाखों साल प्रोसेस है, 2-4 साल या 100-200 साल का नहीं है, लाखों साल का प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर। वो मर गए, मर के क्या होता है कि वो नीचे जमा हो जाते हैं, यहां पे मान लो जमा हो गए और वहीं पे रहते हैं, फिर हीट प्रेशर इतना ज्यादा उस पर सेडिमेंटेशन, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन, उसके ऊपर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट सेडिमेंट करके बहुत ऊपर तक, फीट्स एंड फीट्स, 100 एंड 1000s of feet ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, और वो इतना हीट प्रेशर और इतने सालों से रहते हैं ना कि वो क्या हो, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो ये क्या है, ट्रैप्ड फॉसिल्स है, ठीक है, वो क्या ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं आप, ये जो ब्लैक कलर वाला है, ये ब्लैक कलर आपका इंपरवियस रॉक है जो कि इसको बाहर आमतौर पे निकलने नहीं देती है। लेकिन हमने पहले कहा था कि ऑयल स्प्रिंग, कभी कभी ना ये जो ऑयल होता है, ये वाला जो पोर्शन है वो जमीन के इतना करीब होता है ना, एकदम बहुत करीब होता है, ठीक है, इरोजन हो के जमीन के बहुत करीब हो जाता है, तो कहीं कहीं से ऐसे ही खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसका नाम भी दिया गया है स्प्रिंग, ऑयल स्प्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑयल का फॉर्मेशन होता है, ठीक, तो हर जगह इसीलिए नहीं मिलता है ये, मोस्टली आपको सेडिमेंटरी बेसिन में मिलेगा, ठीक है, मोस्टली आपको, क्योंकि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण से कॉन्टिनेंट मूव कर गई है इधर से उधर, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पहले साउथ अफ्रीका के साथ ज्वाइंट था और ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे थी, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर हुआ और इंडिया अभी के लोकेशन में, ऑस्ट्रेलिया देखो ड्रिफ्ट करके कहां चला गया, ठीक है, जो साउथ अमेरिका था वो अफ्रीका के
साइड में वो जुड़ा हुआ था, लेकिन टूट के बिखर के देखो कितना हो गया, बीच में अटलांटिक ओशियन बन गया। ओके, तो वो ड्रिफ्ट हो गया, तो वो मतलब तो मोस्टली जो वो फॉल्ट लाइंस जो है वहां पे ही दिखता है कि ये सब चीज पाया जाता है। तो अब निकाला कैसे जाता है भाई, तो निकाला देखो ये वाली मशीन होती है, ये वाली मशीन होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सेगमेंट जो देख रहे हैं ठीक है, ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। तो ये ऐसा है, ऐसे चलता है हर वक्त, ऐसा चलेगा आपका ये, ठीक है, दिस इज हाउ इट गोज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता है। तो यहां से क्या है कि पंपिंग करके निकाल लिया जाता है और इस तरह का वेल डाला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, ये सब वही स्ट्रक्चर है, सब वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस के लिए क्या करते हैं, नीचे आपने पाइप डाला और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ पंपिंग। इसका इसको क्या दूसरा एक टेक्निकल नाम भी है, इसको बोलते हैं फाउंटेन मेथड, फाउंटेन की तरह निकलता है। तो याद है आपको बिली स्मिथ ने जब किया था तो मैंने कहा 40 फीट हाई तक कहते हैं लोग गया था, क्यों, क्योंकि उसको टैप करने के लिए कुछ तरीका नहीं था। ऑयल मिला, आपने और एक प्रेशर लगाया, नीचे से इतना ताकत से ऑयल आया कि बहुत ऊपर तक चला गया। यहां पे क्या है कि आप देखते हैं ऑयल तो आ रहा है लेकिन इस पाइप के जरिए ऑयल जहां जाना चाहिए वहां चला जा रहा है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस जहां से कि ऑयल निकाला जाता है। सऊदी या इराक ईरान में फील्ड में देखेंगे तो यही मशीन लगा रहता है हर जगह, अंदर वो ऐसा होता है, ठीक है। चलिए देखो, तो जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, क्या बोलते हैं, क्रूड, ठीक है, क्रूड ऑयल होता है। अब उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना होगा क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल लाए, आप फर्नेस में डाले, ये जो बड़ी बड़ी फर्नेस होते हैं रिफाइनरी में रहती है, रिफाइन किया जाता है उसको, उसमें इस तरह का, ये जो जितने भी देख रहे हैं ना, इस तरह का एक फर्नेस रहता है, ऑयल को इसमें डाल दिया जाता है। और ये जो नीचे जो ये देख रहे हैं ना, ये इससे क्या हो जाता है, हीट किया जाता है, गर्म उसमें किया जाता है। तो यहां का जो टेम्परेचर होता है ये लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, यहां का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 350 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी फर्नेस से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का निकलता है। जब 25 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है जब, तो पेट्रोलियम गैस निकल जाता है जो कि एलपीजी सिलेंडर में आप यूज करते हैं, ठीक है। और उसके नीचे जो आते हैं वो गैसोलीन आप लाते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग पेट्रोल, ठीक है। उसके नीचे नेफ्था, फिर पैराफीन। पैराफीन क्या है कि हवाई जहाज में जो यूज होता है ईंधन, उसी वही है पैराफीन। उसके नीचे डीजल, फिर फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल क्या होता है, जो सिप है, बड़े बड़े सिप जो कंटेनर सिप जो रहते हैं, बड़े बहुत लंबे लंबे सब जो रहते हैं, वो सब में यूज होता है। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मशीन में जो हम ऑयल डालते हैं ताकि अच्छे से लुब्रिकेटेड रहो और वो सही तरीके से रोल करे। और लास्ट जो प्रोडक्ट 350 डिग्री पे जो निकलता है उसको, उसका नाम क्या है, बिटुमिनस, बिटुमिन। अब आप देखते होंगे रोड पे जो रोड जो बना रहता है उसमें अलकतरा लगाते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपका सबसे लास्ट इसका प्रोडक्ट होता है बिटुमिनस, गॉट इट। तो एक ही फर्नेस से इतना सारा चीज आपका निकलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसको कह सकते हैं आप, ऑलराइट। चलिए अब थोड़ा और जानकारी लेते हैं कुछ चीजों को, ताकि हम समझ पाए इंडिया का ऑयल का इकोनॉमी अच्छे से। अब ऑयल रिजर्व जो है हमारे पास, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व कहां पे है, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो आपके पास अभी है फिलहाल में आप देखोगे तो वो है नंबर वन वेनेजुएला, ठीक है, 303 तुम्हारा बिलियन बैरल उसका कहा जाता है रिजर्व है,
नंबर टू पे सऊदी है, नंबर थ्री कनाडा, ईरान, इराक, रशिया, कुवैत, यूएई, यूएसए, लिबिया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको वेनेजुएला कहां है, यहां पे है, नंबर वन है आपका वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में ऑयल जो है वो सबसे अधिक मात्रा में ऑयल मौजूद है, जिसको बोलते हैं रिजर्व, उनको निकाला नहीं गया है। अभी एक बहुत अद्भुत सी कहानी है कि सऊदी अरेबिया बहुत अमीर देश है और बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वेनेजुएला का इकोनॉमी दुनिया का सबसे खराब इकोनॉमी में से एक है। ठीक है, जबकि ऑयल रिजर्व बहुत ज्यादा है, तो इनके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं है उतना। ठीक है, अगर वो लोग भी सही तरीके से एक्सट्रैक्शन करना शुरू किए तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा अमीर बन सकते हैं, क्योंकि रिजर्व उनके पास ज्यादा है। गॉट इट? तो ये है रिजर्व का मामला। अब दूसरा चीज जो है इंपोर्ट के बारे में देखते हैं कि इंपोर्ट कितना करता है। तो कुछ दिन पहले तक अमेरिका नंबर वन इंपोर्टर भी था। ठीक है, अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत इलेबोरेट और बहुत स्ट्रांग है, तो पहले अमेरिका था, लेकिन आज के डेट में चाइना जो है वो आपका नंबर वन है और इंडिया जो है वो नंबर थ्री है। ठीक है, अब एक दो सवाल यहां पे आता है, आप कह सकते हो, पूछ सकते हो सर कि जो यूएस है उनके पास खुद ही बहुत ज्यादा ऑयल रिजर्व है तो वो क्यों इंपोर्ट करती है। ठीक है, दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर जो इंडिया है वो इतना ज्यादा इंपोर्टेड ऑयल पे क्यों डिपेंड करती है, इंडिया के पास क्यों अपना नहीं है कुछ रिसोर्स रिजर्व विजर्व ऐसा कुछ। तो पहला क्वेश्चन का जवाब, अमेरिका का जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देता हूं। पहले चीज, अमेरिका में जो रिजर्व है उससे जो एक्सट्रैक्शन होता है वो सफिशियंट नहीं है उसका इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, रिक्वायरमेंट उसका बहुत अधिक है। ठीक है, पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखेंगे तो बहुत ही हैवी डिपेंडेंस है उसका जो गैसोलीन पे, पेट्रोल पे, ठीक है, और डीजल पे। ठीक है, पेट्रोल डीजल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उतना प्रोड्यूस करती ही नहीं है, तो उनके पास चॉइस नहीं है बट इंपोर्ट करना ही पड़ता है उनको। ठीक है, दूसरा चीज इंडिया, तो इंडिया टोटल अपना ऑयल का जो कंजम्पशन है उसमें कितना परसेंट करती है इंपोर्ट, तो इंडिया करती है 80% के आसपास इंडिया बाहर से खरीदती है, सिर्फ 20% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है। तो अब यह सवाल आया कि क्यों भाई 20% ही हम क्यों प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्या हमारे पास रिजर्व कम है? तो आंसर है हां, हमारे पास रिजर्व भी कम है। दूसरा आंसर है कि दो रिजर्व तो चलो कम है नहीं है उससे नहीं है, हमारे यहां पे 20 सेडिमेंट्री बेसिन है जहां पे कि एक्सप्लोरेशन जो भाई है कि नहीं है उसका अच्छे से रिसर्च भी नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा पॉलिसी जो रहा है बाय एंड लार्ज फॉल्टी पॉलिसी रहा है। वो फॉल्टी पॉलिसी के कारण से कंपनियां क्या करती है उस पर नहीं करती है एक्सप्लोरेशन ही। ठीक है, क्या क्या पॉलिसी है उसके बारे में भी बताएंगे हम। ठीक है, तो इस दोनों क्वेश्चन का जवाब ये है। तो अब हम समझ गए कि स्टेटस क्या है, कौन कंट्री कितना इंपोर्ट कर रहा है। सब कंट्री जब इंपोर्ट कर रही है तो दाम फिर तो देखना पड़ेगा ना, चाइना भी इतना इंपोर्ट कर रही है, हम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सब चीज देखते हुए अब आगे हम नया चैप्टर में घुसते हैं। अब यहां पे कैलकुलेशन होगा, जो डिबेट हमने स्टार्ट किया था कैलकुलेशन का, ऑयल का प्राइस क्यों इतना आगे पीछे है उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए, दो चीज है, एक को बोलते हैं ब्रेंट, एक को बोलते हैं WTI। तो ब्रेंट क्रूड जो है ये ब्रेंट क्रूड है जिसको कि ओपेक यूज करती है, और WTI है जिसका कि फुल फॉर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ओके, वो क्या है, यूएस में जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका जो बेंचमार्क रेट है वो WTI है। ओपेक जो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसके लिए जो यूज किया जाता है वो ब्रेंट यूज किया जाता है, जो कि नॉर्थ सी,
ठीक है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम ऑयल फील्ड इन नॉर्थ सी, जहां पे हमने बोला था कि पहले हिट किया था ऑफशोर में, और सदरलैंड आइलैंड्स, ओके, वहां पे जो प्रोड्यूस होता है, वहां पे जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, उस प्राइसिंग मैकेनिज्म को हम यूज करते हैं। तो इंडिया जो है हेविली डिपेंडेंट रहता है इस पे, ना कि इस पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हम इंपोर्ट जो करते हैं कहां से करते हैं, ओपेक कंट्री से करते हैं, ठीक है, जो ओपेक कंट्री है उससे ही हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। दैट्स द रीजन व्हाई कि हम लोग को इस पे ज्यादा ये है। यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में, प्रीलिम्स में, गॉट इट, WTI क्या है, ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब देखो कैलकुलेशन होता कैसे है। सबसे पहले इंडिया का पॉलिसी क्या रहा है, तो अब ध्यान से समझिए। पहले इंडिया का जो पॉलिसी था वो था गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी उसमें डायरेक्टली, ओके, टू डिटरमाइन द प्राइस, मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी, बहुत ज्यादा सब्सिडी जो था वो दिया जाता था किसको, बाय गवर्नमेंट टू द कंपनीज, ताकि प्राइस कम रहे। लेकिन ये चीज ना, सब्सिडी दे दे के आप जो हर समय काम करते हो, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ये इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो बहुत हाई सब्सिडी मींस एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट दैट गुड, ओके, सब्सिडी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो गवर्नमेंट और बहुत सारा उसमें चला जा रहा है, और डायरेक्ट कोई गवर्नमेंट को स्पेशल बेनिफिट भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको बोला डीरेगुलेट हम करेंगे। क्या करेंगे, डीरेगुलेशन, मतलब कि प्राइस जो है पेट्रोलियम का, डीजल पेट्रोल पर्टिकुलरली, ठीक है, उसका हम गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है, इसने कहा। तो 2010 में किसको, पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया गया कंप्लीटली, मतलब पेट्रोल में गवर्नमेंट कोई सब्सिडी ऐसा कुछ नहीं देगी, जो इंटरनेशनल मार्केट होगा, जो फॉर्मूला होगा, उस पर प्राइस पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा, गॉट इट, जो भी प्राइस होता हो, ठीक है। फिर मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया, ये मनमोहन सिंह ने किया था, ये मोदी जी ने किया है, डीजल को भी डीरेगुलेट कर दिया कि डीजल का प्राइस में भी अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगी, रेगुलेट नहीं करेगी, जो इंटरनेशनल मार्केट होगा, जो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूला के बेसिस पे जो निकल के आएगा वो डीजल का प्राइस होगा। ये दोनों पॉलिसी लाया गया। अब इसके बीच में देखो, इन बिटवीन 2014 टू 2017 क्या होता था कि हर 14 डे के बाद, ठीक है, हर 14 डे के बाद, मतलब 2 वीक के बाद, ठीक है, प्राइस रिव्यू होता था। क्या होता था, प्राइस रिव्यू, मतलब 14 दिन तक प्राइस मोर और लेस कांस्टेंट रहता था, कि फिक्स कर दिया 80 रुपीज, तो 80 रुपीज ही रहेगा 14 डेज तक, ठीक है, वो आगे पीछे नहीं था हर 14 डेज में। लेकिन जून 2017 में ये 14 डेज वाला जो है इसको बंद कर दिया गया। 2017 जून में क्या हुआ, 14 डेज वाले को कंप्लीटली बंद कर दिया गया, और बोला हर दिन डेली सुबह के 6 बजे डिटरमाइन होगा प्राइस क्या है। अब यहां पे ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा, भाई ऐसा क्यों किया आपने, 14 डेज तो थोड़ा ठीक था। तो बोला कि दो चीज बोला, पहले चीज कि मार्केट में स्पेक्यूलेशन बहुत होता है, स्पेक्यूलेशन मतलब कि लोग अटकलें लगाते हैं कि कितना प्राइस होगा, कि आज 70 रुपए है तो 14 दिन बाद 80 रुपीज हो जाएगा, इस तरह से। तो इसके कारण से जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता था प्राइस में, वो स्थिरता नहीं थी, स्पेक्यूलेशन कारण से। दूसरी बात कि जो भी मार्केट में प्राइस होगा, इंटरनेशनल मार्केट, वो ब्रेंट का प्राइस, ठीक है, ओपेक का जो भी डेली का प्राइस होगा, वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारे जैसा आदमी, मान के चलिए, कार चलाने के लिए पेट्रोल लेता है, या कोई डीजल लेता है, या कुछ भी लेता है, वो ऑटोमेटिक अगर घटेगा तो इधर घट जाएगा, बढ़ेगा इधर बढ़ जाएगा। इन्होंने बोला ये चीज, ये होता है कि नहीं होता है वो भी देखेंगे। तो अभी का जो सिचुएशन है, हर दिन सुबह 6 बजे
डिटरमाइन होती है कि उस दिन का प्राइस क्या होगा. गॉट इट. चलिए, यह है कि अभी तक का पॉलिसी रिजीम प्राइस डिटरमाइन करने के लिए. अब देखते हैं कि प्राइस में कैसे डिटरमाइन होता है. इस चीज को अच्छे से देखिए. सबसे पहले क्रूड ऑयल सऊदी अरेबिया से मान लो खरीदा, या इराक ईरान कहीं से भी खरीदा, ठीक है. उसके बाद आपने शिप से ट्रांसपोर्ट किया. कौन यहां पे तुम्हारा रिफाइनरी में, इंडिया में बहुत रिफाइनिंग कैपेसिटी है. जामनगर में रिलायंस का प्लांट है जहां पे की रिफाइन होती है, तो वहां पे रिफाइन किया गया आपका, ठीक है. तो ओएमसी कंपनी जो है, ठीक है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसको कहते हैं ओएमसी कंपनी, जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये सब जो है ओएमसीज है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब ओएमसीज है. तो अब ये जो चीज है ओएमसी, इसको रिफाइन किया, इसको रिफाइन किया तो कुछ रिफाइनरी को चार्ज दिया. पहला चीज, पहले यहां से इधर खरीदा, इधर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाया, फिर रिफाइनरी को कुछ चार्ज दिया, ठीक है, फिर एक्साइज ड्यूटी लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, और अपना कमीशन भी तो कुछ तो रखेगा ये लोग, जो बीपी है, भारत पेट्रोलियम है, या आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, कुछ तो रखेगी वो. उसके बाद तुम्हारा जो स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में वो गया, हर स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाता है, वैट लगाता है, वीएटी, और उसके बाद फाइनली तुमको कहां पे आता है, कंज्यूमर के पास, जो रिटेल शॉप पे आप पेट्रोल पंप पे लेते हैं, तो पेट्रोल पंप वाला भी कुछ पैसा लेता होगा. अब ये वीएटी कितना है, वैट कितना है, सेंट्रल एक्साइज कितना है, टैक्स जिसको बोलते हैं, वो डिटरमाइन करेगा प्राइस. अब नेक्स्ट चीज में वही दिखा रहे हैं हम आपको, कि पहली चीज तो ये देख लीजिए कि प्राइस क्या क्या है. तो श्रीलंका का प्राइस 69 है, नेपाल 82, चाइना 88, 77 भूटान, 78 बांग्लादेश, पाकिस्तान 56, और ये भी 50s के अराउंड में ही है, अफगानिस्तान में भी, ठीक है, और इंडिया में है 100 प्लस. क्यों भाई, देखना पड़ेगा ना, यही तो कहानी स्टार्ट हुई थी अपनी. अब ये देखो, इससे पूरा समझ में आ जाएगा. 4 तारीख का है दिल्ली का रेट. अब देखो, पहला चीज, बेसिक ओएमसी कॉस्ट कैलकुलेशन नंबर 1. तो डीजल हो या पेट्रोल हो, ठीक है, उसका जो बेसिक कॉस्ट कैलकुलेट किया गया है वो 39.4, दोनों का ही बराबर बराबर है, ठीक है, 39.4 रुपी ही बेसिक प्राइस है उस ऑयल का, ये आप ध्यान रखिएगा. 39 को रैशनलाइज भी कर दो तो 40 रुपए ही है. 40 रुपए के बाद हम लोग इतना चीज डालते हैं कि वो बन जाता है 100 रुपए पार, ठीक है. फिर फ्रीट, रिफाइनरी मार्जिन, सब चीज जितना चीज मिलाना है वो सब चीज मिला के आप कर लो तो आपको 8.80 रुपए हर एक लीटर पे खर्च होता है. तो चलो उसको दाम दोनों को जोड़ देते तो 48.28 रुपए होता है यहां पे. 48.28 रुपए अभी आपको होता है कि ओएमसी कंपनी में. अब आया सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक लीटर पेट्रोल पे 27.9 रुपीस टैक्स लेती है. मतलब ये है आपका ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, और सरकार, भारत सरकार उस पर टैक्स कितना लगाती है, 27.9 रुपीस हर एक लीटर ऑफ पेट्रोल पे. तो इसने जो कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और बाद में मोदी जी आए और प्राइस कम कर दिया, बोला दिवाली गिफ्ट. तो वो क्या गिफ्ट था, यही इसी को क्या किया उसने, उन्होंने कम किया, ठीक है, इन्हीं को कम किया. तो सरकार डेफिनेटली डिटरमाइन करती है, एक्साइज ड्यूटी इतना लेती है, ठीक है. उसके बाद जो तुम्हारा पेट्रोल पंप का जो कमीशन है वो 1 लीटर पे 3.8 रुपीस, पेट्रोल पंप वाले जो होते हैं ना उनको 1 लीटर पे 3.8 रुपया कमीशन मिलता है, ठीक है, चलो वो भी ठीक है. उसके बाद वैट लगता है इस पे 24 रुपए का, 24.5.
वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो बहुत टाइम आपको न्यूज में दिखता है कि दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत इतना, मुंबई में ये, पुणे में ये, चेन्नई में ये, कोलकाता में ये। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है प्राइस में, पेट्रोल का प्राइस में। क्यों? क्योंकि ये जो वैट लगाया जाता है वो हर स्टेट कोई ज्यादा लगाती है, कोई कम लगाती है। गॉट इट? कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। ओके तो अगर आप इसको देखा जाए, दिल्ली का अगर बात करें तो 24.5 रुपए गवर्नमेंट यहां पे टैक्स लगाती है, और सबको जोड़ लो तो बजट कितना जाता है, 103.97, मतलब 4 तारीख का था, मतलब 104 रुपए रख लो ना अप्रोक्सीमेटली, ये दाम इतना हो बढ़ जाता है। और जबकि ओरिजिनली जो है 48.28% है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो आपका फ्यूल का जो प्राइस है बस वो इतना ही है। प्रोसेसिंग करने के बाद फ्यूल का प्राइस सिर्फ 48.28 है, और उसको आप बढ़ा के 104 कर देते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हैवी टैक्स लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट भी वैट के तरफ से टैक्स लगाता है, जिसके कारण की बढ़ जाता है। ठीक है, अब कंपैरिजन देख लेते हैं मोदी गवर्नमेंट और जो यूपीए गवर्नमेंट था। ठीक है, अब इसको देखिए कि 2014 में जब मोदी जी मई में आए थे, उस टाइम में प्राइस क्या था पेट्रोल का, और नवंबर 2021 में प्राइस क्या है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी उस टाइम जो पेट्रोल पे लगता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, वो 9.2 लगाती थी, और आज के डेट में कितना लगा रही है, 27.9 लगा रही है। ठीक है, डीजल पे उस समय 3.46 रुपए 46 पैसे लगते थे, अब जो लग रहा है वो 21.8 रुपए लगता है। ठीक है, और वैट जो पहले अगर देखा जाए तो वैट जो पेट्रोल पे एवरेज मैं बता रहा हूं 20% लगता था, और अभी जो है नियर अबाउट 30% के आसपास लग रहा है। डीजल पे 12.5% लगता था, अभी 16.75% लगता है। मतलब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। अब एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं कि सरकार तो कहती है, ध्यान सुनिए, सरकार तो कहती है कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, जो सेंट्रल ओपेक ऊपर नीचे करेगा तो यहां पे होगा। तो ओपेक जब ऊपर करती है ना प्राइस, तो हम लोग तो प्राइस अधिक देते ही हैं, 80 से 90, 90 से 100, ओपेक का भी प्राइस बढ़ रहा है, हम लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वैसा बनाया गया है कि जिसमें कि, लेकिन जब ये ओपेक वाला का प्राइस घट जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है क्रूड ऑयल का घट जाता है, तो उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो इफेक्ट है, वो कंज्यूमर को नहीं मिल पाता है। सब्सिक्वेंटली जो हमारा भी तो दाम घटना चाहिए ना, दाम नहीं घटता है। मोदी गवर्नमेंट में पिछले 7 साल में, 7 ईयर्स में, ठीक है, जो टोटल जो टैक्स मनी जो कलेक्शन हुआ है किससे, तुम्हारा डीजल और पेट्रोल से, वो है 459% का बढ़ोतरी हुआ है। 459% का बढ़ोतरी हुआ है, सोचो। और अगर मॉनेटरी टर्म्स में देखेंगे तो उस टाइम में एक्चुअली 52,337 करोड़ रुपए साल भर में टैक्स में आता था एक साल में, ठीक है, और अभी देखोगे तो 2,13,000 करोड़ रुपए सरकार को पेट्रोल डीजल टैक्स से आता है। ठीक है, अब जो ये सवाल पूछा जाता था, कहा जाता है कि नॉर्मल आदमी को इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कितना सही है कितना गलत है इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लेते। तो छोटी सी बात है, डीजल का प्राइस जो 100 रुपए हो जाता है तो उससे क्या नुकसान है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन चलता है, आपका जितने ट्रक चलते हैं, हेवी व्हीकल चलते हैं, ठीक है, उसी में गुड्स पूरा सामान जाता है, एवरीवन नोस, ओके, और
जो ट्रेन से भी जाता है, डीजल वाला ट्रेन भी है। अब जब डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो ट्रक ड्राइवर है क्या वो सामान को लेके जाएगा उसी दाम में जो पहले घटा हुआ प्राइस पे था? कभी नहीं। वो क्या करेगा, रेट बढ़ा देगा। तो कमोडिटी का रेट बढ़ जाता है तो कोई सामान लेके मान के चलो गुजरात से आया दिल्ली तक, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अप क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो ये है डीजल का प्राइस ही बढ़ गया। तो यह बात सरासर गलत है कि इसका इंपैक्ट सिर्फ अमीरों को पड़ता है, इसका इंपैक्ट हर एक व्यक्ति को पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको इंपैक्ट नहीं पड़ता। इससे फूड का प्राइस बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से कैलकुलेट हो सकता है। तो आपने देखा कि सरकार जो है टैक्स कितना आपसे ले लेती है, कोई भी सरकार हो टैक्स कितना लेती है वो डिटरमाइन, वो उसके कारण से हमारे यहां पे रेट 100 से पार है और पाकिस्तान जैसा कंट्री में 57-56 जो भी ऐसा है। ठीक है, ये नहीं है कि उनके पास बहुत है, लेकिन हां दिस इज हाउ थिंग्स आर। ठीक, चलिए अब देखो, अब एक ये चीज भी समझना जरूरी है कि क्या पॉलिसी है। बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया है, क्योंकि हम बाहर से तो खरीद रहे हैं, वो डीरेगुलेशन ये सब तो अलग चीज है, लेकिन खुद क्या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सवाल है। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा आपको, वो आपको पॉलिसी से पता चलेगा। पहले तो प्री इंडिपेंडेंस तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता है। फिर है नॉमिनेशन एरा, 1947 से 1990 तक, ये वाला नॉमिनेशन एरा, जिसको नॉमिनेट कर देती थी कि भाई जाओ तुम ONGC तुम खुदाई करो बता करो, और पूरा पब्लिक सेक्टर लेड था। 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आया, रिफॉर्म आया, जिसके कारण से कि चेंजेस आया। ठीक है, तो उसके बाद आपको 1997 में ठीक है एक नया पॉलिसी लाया गया था NELP, ठीक है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब ये एक पहला पॉलिसी था जिसमें कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं उनको भी बोला कि आप भी आओ हमारे यहां पे सेडिमेंट्री बेसिन में एक्सप्लोरेशन करो। ठीक है, और जो जो चीज चाहिए आपको निकालने का वो आप निकालो और हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ठीक है, किया। लेकिन ये पॉलिसी में बहुत सारा प्रॉब्लम था, इशू था, जिसके कारण से बहुत सक्सेस नहीं मिला। उसके बाद मोदी जी आए, वो क्या लेके आए, HELP, हेल्प, नेल्प के जगह हेल्प आ गया, फुल फॉर्म इसका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो अब इस दोनों के बीच में अंतर क्या है नेल्प और हेल्प में, यह भी हमें समझना जरूरी है। तो देखिए, नेल्प और हेल्प में उसे तो बहुत सारा लिखा हुआ है चीज, लेकिन फंडामेंटल मैं अंतर बताता हूं कि नेल्प पॉलिसी था तो देखिए एक जगह जो है ना वहां पे गैस भी मिल सकता है आपको, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, CBM कोल बेस्ड मिथेन भी मिल सकता है। ठीक है, वहां पे ऑयल भी मिल सकता है। तो नेल्प में जो था अंदर खुदाई करा जो भी मिला आपको वो उसमें आपको जो है हर चीज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं था कि एक चीज का हम लाइसेंस लें और जो भी निकले उसको हम लोग बेचे और निकाले और सब प्रॉफिट बांट लिए, ऐसा नहीं है। कैसा था, वैसा था जो कि हाइड्रो कि गैस मिलेगा तो गैस का अलग लो, CBM मिलेगा तो CBM का अलग लो, ऑयल मिलेगा तो ऑयल का अलग लो, ऐसा टाइप सिस्टम था। तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, नहीं फायदा हो पाता था। हेल्प में क्या किया गया है, एक यूनिफाइड है कि जो भी मिलेगा सबको आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हर के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा, दैट इज एन एडवांसमेंट। दूसरा चीज जो था, जो नेल्प था वो प्रॉफिट शेयरिंग पे बेस्ड था। ठीक है, कि निकाला जाएगा प्रॉफिट होगा तो
हम लोग शेयरिंग करेंगे, लेकिन ये वाला प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, रेवेन्यू शेयरिंग पे है कि जो भी निकाला आपने, रेवेन्यू जो भी आया उसको हम शेयर करेंगे. गॉट इट? तो है तो बहुत सारा पॉइंट, लेकिन दीज आर द टू फंडामेंटल पॉइंट जो कि यहां पे है. तो हो सकता है कि हेल्प जो पॉलिसी है उसके कारण से हम लोग यहां पे एक्सप्लोरेशन करें, हमारे यहां पे भी ऑयल मिले, हमारे यहां पे भी गैस मिले, क्योंकि इंडिया का भी देखो तो जो ऑफशोर है, हमारे पास भी 7000 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन है, बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, वहां पे मिलने का चांस बहुत ज्यादा है. हमारे पास भी सेडिमेंट्री बेसिन बहुत ज्यादा है, 20-20 सेडिमेंट्री बेसिन है, जहां से कि हम अच्छे से एक्सप्लोरेशन करें तो हमें मिल सकता है ऑयल एंड गैस. लेकिन पॉइंट क्या है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अच्छे कंपनियों को ये करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जो कि एक्सट्रैक्ट करे और ये करे. ठीक है, लेकिन इससे भी इंडिया का जो इकोनॉमी है और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, ऑयल जो है वो सफिशियंट नहीं होगा हमारे लिए, हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए. दूसरा, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज वाली बात हो रही है, हो रही है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इसकी बात हो रही है. तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें तो, क्योंकि आप पेट्रोलियम ये सब कुछ भी करोगे तो उससे निकलेगा, पोल्यूशन होगा ही, तो आपको दिक्कत तो होगी ही. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे कि हम ऑयल और गैस पे कम से कम डिपेंडेंट रहे, पर्टिकुलरली ऑयल पे कम से कम डिपेंडेंट रहे. फिलहाल में आप एनर्जी का अगर देखेंगे सेगमेंट, तो हमारा जो टोटल एनर्जी का कंजम्पशन है वो आपको जो कोल है 56% तो हम सिर्फ कोल से जनरेट करते हैं एनर्जी, जो थर्मल पावर प्लांट हमारा उतना है 56%, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सिर्फ 23% है. 23% ही रिन्यूएबल एनर्जी है. रिन्यूएबल मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, मतलब वो टाइप का एनर्जी जो कि रिन्यू होते रहे, जो खत्म ना हो. कोल को जला दो तो खत्म, ऑयल को जला दो तो खत्म, लेकिन आप सोलर आ रहा है तो आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा ना. विंड तो बहती ही रहेगी ना, विंड बहना बंद हो जाएगा तो यहां पे सब चीज खत्म हो जाएगा, सीधी बात है. और गैस जो है वो 7% है, डीजल जो है आपका वो दिस इज 0.51%, और न्यूक्लियर का 2%, हाइड्रो 12%. तो हमारा जो अभी के टाइम में, ध्यान रखिएगा, हमारा अभी के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम बहुत ज्यादा डीजल या ये सब का यूज नहीं कर रहे हैं. ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो पेट्रोल डीजल पे 100% डिपेंडेंट है. अब जो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है, बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाय एंड लार्ज इंडिया को अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे करना पड़ेगा, चाहे हम विंड एनर्जी लाएं, चाहे हम सोलर एनर्जी लाए, या और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि उस पे उसको एक्सपेंस को बढ़ाना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज इलेक्ट्रिक यूज करना पड़ेगा. तो एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी हैज टू चेंज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रियलिटी, ब्रिंग द चेंज दैट वी वॉन्ट. एंड वट काइंड ऑफ चेंज डू वी वॉन्ट, और हम लोग किस तरह का चेंज चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं उस तरह का चेंज जो कि हमको किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जो कि हमको थोड़ा सस्ते में मिले, जो लोग आम आदमी हैं उनके लिए बहुत सस्ता हो, उस तरह का हम सिस्टम चाहते हैं, ना ही विदेश पे ज्यादा डिपेंडेंट रहे और हम लोगों को चीप में मिले. ठीक है, तो ये सब पॉलिसी चल रहा है गवर्नमेंट का, लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो गवर्नमेंट का पॉलिसी तो है बट वो इफेक्टिव पॉलिसी बहुत नहीं है, उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्लो है. तो फास्टर इंप्लीमेंटेशन होगा तो शायद बेनिफिट हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर. और जहां तक की कहानी हमने स्टार्ट किया था ऑयल एंड गैस का, तो ये चीज एकदम गौर से ध्यान रखिएगा, सरकार जब भी कहती है कि ऑयल एंड प्राइस उसका जो ये है वो हम नहीं डिटरमाइन करते हैं, ग्लोबल होता है, तो सरासर गलत इंफॉर्मेशन है. सरकार का बहुत बड़ा रोल है, और लेटली प्राइस सही में बहुत बढ़ा है, और पर्टिकुलरली जब डीरेगुलेशन का रेजिम 2010 में आया,
पेट्रोल जब डीरेगुलेट हुआ था तो इंपैक्ट पड़ा था, और उसके बाद डीजल हुआ तो डबल इंपैक्ट पड़ा। अब डेली डिटरमाइन होता है और इतना ज्यादा वैट और एक्साइज है। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि सेंटर स्टेट दोनों मिल के आए और पेट्रोलियम जो है उसको भी जीएसटी के अंदर लेके आए। अभी पेट्रोलियम हो गया, स्टाम्प ड्यूटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब जीएसटी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर जीएसटी के अंदर ले आएंगे तो यूनिफाइड रेट रहेगा, तो शायद आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता रहेगा, उतना महंगा नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप 28% लगाते हो। ठीक है, आप वैट और एक्साइज लगा दो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका नियर अबाउट 50% हो जाता है। तो डेफिनेटली जीएसटी के अंदर अगर लेके आएंगे पेट्रोलियम को तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा एज फार एज प्राइस आर कंसर्न। ठीक है, सो तो यही कहानी था पूरी हमने आपको बताई फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब ऑयल्स निकाला गया, ढूंढा गया, उससे जियोपॉलिटिक्स और इंडिया में कैसे ऑयल को निकाला जाता है वो एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग यू अनदर चर्निंग टॉपिक एंड एक्सप्लेन यू इन द मोस्ट लूसिड एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वे। थैंक यू वेरी मच।